हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपने एक नई यूनिट जिसका नाम है यूनिट नंबर 5 और जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट यूनिट है। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट यूनिट 5। ठीक है, इसमें हम पूरा यूनिट 5 को कवर कर लेंगे, जिसमें से मैं आपको कुछ मेन मेन पार्ट बताऊंगा, कुछ थ्योरी पार्ट आपको खुद पढ़ने होंगे, जैसे कि रैम और रोम के बारे में, जिसमें मेमोरीज वाला पार्ट है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो हम आपको बता देंगे, और बाकी जो है आपको इसमें सारे नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको रेफर कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक है इसमें लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली क्या होता है? तो सेट ऑफ द कंपैटिबल आईसीज विद द सेम लॉजिक लेवल। तो कोई भी जो हमारी आईसी है इनका सेम लेवल है और सेम सप्लाई वोल्टेजेस उन्हें हम दे रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेरियस लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उन्हीं को हमने लॉजिक फैमिली कह दिया। ठीक है, तो दिस इज अ सेट ऑफ कंपैटिबल आईसीज विद द सेम लॉजिक लेवल्स एंड सेम सप्लाई वोल्टेजेस व्हिच हैव बीन फैब्रिकेटेड टू परफॉर्म द सेम या वेरियस लॉजिक फंक्शंस नोन एज लॉजिक फैमिली। क्लियर है? अब इसी के ऊपर हमने लॉजिक फैमिलीज को डिवाइड करा हुआ है। दो टाइप की लॉजिक फैमिली होती है, पहला होता है फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड। तो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जिस पे हमने फैब्रिकेशन करा, तो उनके बेसिस पे हमारे दो टाइप्स में डिवाइड है। पहला है बायपोलर लॉजिक फैमिली, दूसरा है यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। अब अगर मैं बात करूँ बायपोलर लॉजिक फैमिली की, तो बायपोलर लॉजिक फैमिली क्या होती है कि ट्रांजिस्टर डायोड्स आर बायपोलर लॉजिक डिवाइसेस, वी नो ऑल दैट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर। ओके, एंड इन विच करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बिकॉज दे आर बोथ द चार्ज कैरियर्स। ठीक है, नाउ दिस अगेन बायपोलर लॉजिक फैमिलीज आर अगेन डिवाइडेड फर्दर इन टू द टू पार्ट्स, दैट इज सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली एंड द अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन आईसीज। तो सबसे पहले हमारे पास है सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। तो देखिए, सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन द सैचुरेशन रीजन। नाम से पता लग गया सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली में क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट कर रहे हैं पर्टिकुलर सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, और जो स्पीड होती है सैचुरेटेड बायपोलर लॉजिक फैमिली की, वो कैसी रहती है? हमारी लो रहती है। जिसमें सबसे पहला, अब हमारे इसके भी टाइप्स हैं बहुत सारे, RTL, DCTL, DTL, HTL, TTL और IIL। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बी पार्ट है हमारे इसी में अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिली कौन सी होती है? ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन, तो वो इसके अंदर आ जाते हैं, और द ट्रांजिस्टर फॉल अंडर दिस अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिली विच ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन। जो सैचुरेशन में वो सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली के अंदर आएंगे। ठीक है, द स्पीड ऑफ द अनसैचुरेटेड बायपोलर लॉजिक फैमिली इज हाई एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। क्लियर है? इसकी स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, और ऊपर वाले की स्पीड कैसी थी? कम थी। सैचुरेटेड वाली की स्पीड कैसी थी? कम थी। क्लियर है? अब अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला शॉर्ट की डिटेल्स और सेकंड है एमिटर कपल्ड लॉजिक। बस इसका पता होना चाहिए आपको। सेकंड हमारे पास यूनिपोलर लॉजिक फैमिली, जो मैंने बताया था बेस्ड ऑन द फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले हमारा ये डिवाइड है पी मॉस पे, एन मॉस पे और सी मॉस पे। पी मॉस हो गया पी चैनल मॉसफेट, और एन मॉस हो गया हमारा एन चैनल मॉसफेट। अब ये सारे जो टर्म्स हैं इनसे हम फेमिलियर हैं, जो हमने फर्स्ट ईयर में देखे थे कंटेंट्स को। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है सेकंड, दैट इज यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, और इसी में हमारे पास आता है सीमॉस। सीमॉस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द पी चैनल एंड द एन चैनल मॉसफेट। क्लियर है? अब इस चैप्टर से 2-2 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के क्वेश्चन है वो हमारे पूछे जाते हैं, और कई बार ये 10 मार्क्स में लगे हुए भी आते हैं। 5 मार्क्स किसी पार्ट को दे दिए जाएंगे, 5 मार्क्स किसी पार्ट को दे दी जाएंगे जब आपसे एक पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग पूछा गया होगा। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है जिन्हें हम परफॉर्मेंस पैरामीटर भी कहते हैं। सबसे पहली टर्म परफॉर्मेंस पैरामीटर में आती है, फैन इन। ठीक है, अब फैन इन क्या होता है? इट इज़ अ नंबर ऑफ द इनपुट दैट कैन बी प्रैक्टिकली बी सपोर्टेड विदाउट डिग्रेडिंग प्रैक्टिकली इनपुट वोल्टेज लेवल। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक गेट है, तो उस गेट में मैं कितने जो है इनपुट्स दे सकता हूँ प्रैक्टिकली, कि वो उसकी वर्किंग को इफेक्ट ना करे। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इनपुट्स मैंने दे दिए और उसकी वर्किंग जो है क्या कह सकते हैं, एक एक्सीड हो गई, मतलब या उसकी वर्किंग जो है प्रॉपर नहीं रही। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर सर्किट से मैं कितना करंट ड्रॉ कर सकता हूँ, कितना उससे इनपुट लगा सकता हूँ। ठीक है, कि जिससे मैं उससे करंट ड्रॉ कर सकूँ कब तक, कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल होता है या पर्टिकुलर जो है एक रेटिंग होती है एक सर्किट की, कि हाँ भाई आप इससे मैक्सिमम लोड इतना ले सकते हैं, इससे ऊपर लेंगे तो वो उसकी वर्किंग को अफेक्ट कर देगा, खराब हो जाएगी सर्किट। तो बस यही है कि फैन भी क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ द इनपुट्स दैट कैन प्रैक्टिकली बी सपोर्टेड विदाउट डिग्रेडिंग द प्रैक्टिकली इनपुट वोल्टेज लेवल। सेकंड है हमारे पास फैन आउट। फैन आउट क्या होता है? वही फैन इन मतलब इनपुट्स और फैन आउट मतलब आउटपुट। सो इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड लोड दैट कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द गेट विदाउट डिग्रेडिंग इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, इसे हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? द नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड लोड। अभी स्टैंडर्ड लोड क्या होता है इसके बारे में आगे देखेंगे। तो द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड दैट कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द गेट विदाउट डिग्रेडिंग इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। इसमें आउटपुट ऑफ द गेट से हमें कनेक्ट करने हैं। तो स्टैंडर्ड लोड इज द अमाउंट ऑफ द करंट नीड बाई एन इनपुट ऑफ अनदर गेट इन द सेम लॉजिक फैमिली। सेम लॉजिक फैमिली में जो और इनपुट्स हैं उन्हें हमारा क्या जो है अमाउंट ऑफ करंट चाहिए? एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लोड में कॉज अ माल फंक्शन। तो अभी ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर देने फैन आउट में भी, कि वही मतलब हो गया कि एक सर्किट से हम कितना आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से, और एक सर्किट को हम कितना इनपुट दे रहे हैं तो ऐसा भी नहीं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ये हमने फैन इन कह दिया, और जो आउटपुट हो गया फैन आउट हो गया। क्लियर है? इतना आपको थ्योरी लिख के आ जाना है विद डायग्राम, आपको ये जो है
मार्क्स के लिए अवार्ड हो जाएंगे। सी पार्ट इसमें आता है नॉइज़ मार्जिन। अब नॉइज़ मार्जिन क्या होता है? नॉइज़ मार्जिन होता है नॉइज़ मार्जिन मेजर्स हाउ मच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल नॉइज़ अ गेट कैन विदस्टैंड। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक वेव है और एक वेव में दूसरी वेव भी आ रही है, एक तीसरी वेव भी आ रही है, तो एक एक वेव कब तक इंटरफेरेंस करते हुए, क्योंकि इंटरफेरेंस होता है वेव्स में, ठीक है, तो और उसके लिए डिफरेंट कंडीशन होती हैं। तो अगर हम बात करें कि एक सिंपल वेव के लिए, तो अगर कोई भी एक वेव है और वेव में हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, तो वो कब तक जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी ना उसकी वेव की, भी की कहते हैं कि कब तक जो है वो अन इंटरप्टेड जो है कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, कोई भी सही आउटपुट प्रोड्यूस करेगी विदाउट डिस्टॉर्शन। तो ऐसे ही इसमें भी है कि अगर हमारे पास कोई भी गेट्स हैं तो गेट्स में एक नॉइज़ मार्जिन होगा पर्टिकुलर उसका, जो मेजर करेगा कितनी इलेक्ट्रिकल नॉइज़ जो है वो हमारा वो पर्टिकुलर गेट बेयर कर सकता है अनटिल एंड अनलेस इट प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल इसका हो गया TTL। TTL जो हमारा ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है वो हमारा कोई भी जो 0.8 वोल्ट से बिलो वैल्यू है उसके लिए वो जीरो देगा और 2.2 वोल्ट के लिए वो हाई वैल्यू दे देगा। मतलब उसके नीचे 0.8 के नीचे काम नहीं कर रहा है और 2 वोल्ट के ऊपर हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं जनरेट कर रहा है, वो सीधे हाई या लो के टर्म्स में आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये उसके क्या हो गई, माइल फंक्शनिंग हो गई। तो इसलिए नॉइज़ मार्जिन मेजर करता है कि कितनी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में आपको उसे नॉइज देनी है या बहुत ज़्यादा नॉइज वो विदस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये बताता है जनरली। ठीक है, द डी पार्ट वी हैव द प्रोपगेशन डिले। अभी प्रोपगेशन डिले क्या होता है, अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द गेट टू चेंज द स्टेट। ठीक है, एक ये मेजर होता है कि कितना जल्दी एक गेट जो है वो दूसरे गेट में जो मतलब एक गेट जो है वो चेंज कर रहा है स्टेट को। जैसे कि मैंने आपको बताया था हजार्ड्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या बताया था कि यूनिट नंबर 4 में कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए इन्वर्टर गेट है और मैं मान रहा हूँ कि इसका प्रोपोगेशन डिले ज़्यादा है, मतलब वो 0 को 1 नहीं बना पा रहा है और 1 को 0 नहीं बना पा रहा है, तो उसका प्रोपोगेशन डिले ज़्यादा हो गया। तो आइडियली इट शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल। तो वही प्रोपोगेशन डिले मैंने यहाँ लिख दिया, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट टू चेंज द स्टेट। अब TPLH क्या होता है, TPLH होता है इट इज अ टाइम टेक्स द आउटपुट टू गो फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम लो टू हाई, क्योंकि लो से हाई की तरफ जाना है। P2PLH मतलब प्रोग्राम की जो हमारा टाइम है प्रोपोगेशन डिले है वो लो टू हाई में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, और PHL क्या हो जाएगा, टाइम इट टेक्स द आउटपुट टू गो फ्रॉम हाई टू लो। क्लियर है। अब इसी के बाद अगर हम प्रोपोगेशन डिले में एवरेज प्रोपोगेशन डिले को डिफाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, TPLH प्लस TPHL डिवाइड बाई 2। क्लियर है। तो अब हमने लिख दिया ऊपर एवरेज प्रोपोगेशन डिले। क्लियर है। अब सेकंड जो अब लास्ट जो टर्म हमारे पास है वो इसमें फिगर ऑफ मेरिट, और फिगर ऑफ मेरिट कुछ नहीं होता बल्कि ये प्रोडक्ट होता है पावर ऑफ डिसिपेशन का इनटू द प्रोपोगेशन डिले। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ डिसिपेशन टू द प्रोपोगेशन डिले। मैथमेटिकली हमने इसको ऐसे लिख दिया, और इसकी यूनिट आएगी वो किस में आएगी, वाट्स इंटू सेकंड्स में आ जाएगी, क्योंकि हमने पावर किस में दी है, वाट्स में, और प्रोपोगेशन डिले को हमने लिया है सेकंड में। प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जो है हमारी लो होनी चाहिए, एज लो एज पॉसिबल। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज TTL NAND गेट। अब TTL से हमने NAND गेट कैसे बनाया है उसकी सर्किट और वर्किंग देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है TTL NAND गेट सर्किट। ठीक है, अब TTL NAND गेट क्या करता है, TTL जो है वो हमारे हायर स्पीड देता है एज कम्पेयर टू DTL एंड RTL। ठीक है, अब ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस रिलेटिव्स में पूछे गए हैं, और ज़्यादातर जो है जो इनका इंपैक्ट है ज़्यादा ही इन्हीं का रहता है, मोस्टली केसेस में यही पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतना यूनिट 5 देख लेंगे तो आपको जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं इसमें कि हो क्या रहा है इसमें। तो हमने एक सर्किट में देखिए VCC लगाया हुआ है, दैट इज 5 वोल्ट हमने दे दिया, एक RB1 रजिस्टर दे दिया हमने जो ब्रांच B1 से कनेक्टेड है। अब ये जो हमारा ये पूरा सेक्शन होता है, ये वाला पूरा सेक्शन, इसको हम कहते हैं B1, मतलब ये जो हमारा पूरा सेक्शन है इसको हम कहते हैं इनपुट सेक्शन। ठीक है, ये जो B1 सेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, इसको मैंने B1 इसका पॉइंट बोल दिया B1 B2। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है T1 वाला, इसको हम बोलते हैं इनपुट सेक्शन। ठीक है, और ये जो हमारा सेक्शन होता है यहाँ वाला, ये जो T2 वाला पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को हम बोलते हैं फेज स्प्लिटर सेक्शन, और ये T3 होता है हमारा आउटपुट सेक्शन। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे 3 सेक्शन जो है वो पर्टिकुलर डिवाइडेड हैं। अब इसमें होता क्या है, इसकी वर्किंग मैं एक बार नॉर्मली समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर हम इसको लिखेंगे कैसे देखेंगे। तो एक फिगर आपकी बनेगी TTL की NAND गेट की सर्किट की, जब आप इसकी वर्किंग लिखेंगे तो अलग अलग सर्किट बनाएंगे, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा वो वैसे बनाना। तो सबसे पहले देखिए केस वन में, अब मैंने मान लिया कि ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा क्या है, ये मेरा बेस एमिटर है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये बेस है। अब देखिए जो इसमें समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि जब मैं किसी भी इनपुट को, देखिए अब पहले तो NAND गेट की सर्किट पता होनी चाहिए। तो NAND गेट की सर्किट में क्या होता है, NAND गेट की सर्किट में होता है कि अगर मेरे पास A है और मेरे पास अगर B है, तो A.B कितना मिलता है, इस A.B का बार होता है, यही तो मेरा Y होता है NAND गेट में। ठीक है, तो अगर मैं इसके आउटपुट देखूं तो 0 0 पे मुझे क्या मिलेगा, 1 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, और 1 1 पे मुझे 0 मिलेगा। मतलब नोटिस करने वाली बात ये थी कि अगर मैंने एक भी इनपुट को 0 अप्लाई कराया तो मुझे हाई इनपुट मिल रहा है। तो वही हम अपने सर्किट से एनालाइज करेंगे कि मान लीजिए कि हमने ABC किसी भी इनपुट पे एक लो दे दिया, मान लीजिए A पे लो दे दिया, B पे लो दे दिया, C पे लो दे दिया। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने किसी भी इनपुट पे लो दे दिया, तो होगा क्या, जो हमारा ट्रांजिस्टर T1 है उसमें जो हमारा ये बेस एमिटर जंक्शन है वो हमारा किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में हो जाएगा। बेस एमिटर किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में हो जाएगा, क्योंकि हमने इनपुट 0 दे दिया और इधर हमने इनपुट
जीरो नहीं दिया है, मतलब इधर हमने नहीं दिया है, तो ये अगर हमारा फॉरवर्ड है तो ये किस में हो जाएगा, बी वन और बी टू वाला सेक्शन, ये दैट इज हम कह सकते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन, वो किस में, बेस कलेक्टर हमारा किस में हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रिवर्स बाइजिंग में। और एक बार अगर हमारा रिवर्स बाइजिंग में हो गया तो जो वी सी सी है वो हमारा क्या होगा, अब ये वी सी सी जो है वो हमारा बी टू, जो हमारा जो बी टू वाला जो एक ट्रांजिस्टर टी वन है, तो टी वन किस में आ जाएगा, ये पूरा जो वी सी सी से हमारा टी वन कनेक्ट हो जाएगा और टी वन हमारा एक तरीके से एक्टिव रीजन में आ जाएगा। और टी वन अगर हमारा एक्टिव रीजन में आ गया तो होगा क्या कि ये जो बी टू है वो टी टू को ट्रिगर नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये किस में है, रिवर्स बाइजिंग में। तो बी टू जो सेक्शन है या जिससे हमारा जो बेस है टी टू का, वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा टी टू को जो है ट्रिगर नहीं कर पाएगा। और अगर हमारा टी टू ट्रिगर नहीं हो पाया तो दिस पॉइंट वेयर ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू ट्रिगर द टी थ्री, तो टी टू T3 कैसे हो जाएंगे, ऑफ स्टेट में चले जाएंगे और T1 हमारा ऑन स्टेट में चले जाएगा। अब T1 ऑन है, T2 ऑफ है, T3 भी ऑफ है, मतलब ये जो V0 है ये हमारा नीचे से तो कनेक्टेड है नहीं ग्राउंड से, तो हमारा डायरेक्टली V0 जो है उसे हमारा पूरा का पूरा VCC मिल जाएगा, दैट मींस V0 विल एक्ट एज हाई, ठीक है। तो हमें वही दिखाना था कि अगर एक भी इनपुट देखो जीरो है तो हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, हाई आ रहा है या लॉजिक वन आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि इसी में अगर मान लीजिए लॉजिक जो है वो मैंने जीरो दे दिया, मतलब सब पे मैंने जो है इनपुट हाई कर दिया, ठीक है, इनपुट जो है मैंने कैसे दे दिया, हाई दे दिया, अगर मैं ए बी सी तीनों पे हाई दे दूंगा तब क्या होगा, तो तब समझने वाली बात यह है कि जो मेरा बेस एमिटर जंक्शन है वो मेरा रिवर्स बाइजिंग में हो जाएगा, क्योंकि एक भी जीरो नहीं है, सब वन है, ठीक है। बेस एमिटर जंक्शन किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में हो जाएगा, और बेस कलेक्टर जंक्शन दैट इज दिस जंक्शन विल बी इन द ये हमारा रिवर्स बाइजिंग में हो गया, ये हमारा किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में हो जाएगा। तो अगर ये हमारा फॉरवर्ड बाइजिंग में हो जाएगा तो होगा क्या कि ये जो है हमारा T1 है वो हमारा किस में चला जाएगा, ऑफ स्टेट में, और जो हमारा T2 है, T2 पे जो B2 से पोटेंशियल है, B2 विल कैन ट्रिगर द T2, तो B2 पे जो पोटेंशियल है वो हमारा T2 को ट्रिगर कर देगा, तो T2 हमारा ऑन स्टेट में चला जाएगा। सिमिलरली T3 भी हमारा ऑन स्टेट में चला जाएगा, तो हमें जो V0 से पाथ मिलेगा वो हमारा क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो V0 पे क्या मिल गया, हमें लॉजिक जीरो मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा पार्ट हो गया TTL की NAND गेट सर्किट का। अब इसी को हमने जो बोला है आपको समझाया है उसको हम वर्ड्स में देख ले रहे हैं। तो केस नंबर वन इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा, केस नंबर वन में इफ एमी, अब इसका भी डायग्राम बनेगा अगले पेज पे, मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, PDF में आप देख सकते हैं। If any input ABC is logic 0, the base emitter junction is forward bias and base collector is in reverse bias, ठीक है। तो अगर एक भी input हमारा 0 है तो case में है ये हमारा forward में और ये reverse में है, तो transistor T1 will come in the active region and so the potential at the B2 cannot trigger the transistor, ठीक है। तो B2 जो potential है वो हमारा T2 को trigger नहीं कर पाएगा, तो वो off हो जाएगा, transistor comes in off state, so there the T2 becomes an open circuit, तो T2 कैसा हो गया, हमारा open circuit हो गया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे potential रुक जाएगा, potential यहाँ तक तो आ नहीं पाया तो इसलिए हमारा ये भी off state में चले जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया अगले में। नाउ दिस डायग्राम यू विल बी मेकिंग फॉर द केस नंबर वन, तो द बेस टर्मिनल कैन नॉट ट्रिगर T3, सो T3 इज ऑल्सो इन ओपन सर्किट, T3 में हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, तो नीचे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, सीधे V0 को क्या पाथ मिलेगा, ये वाला मिलेगा, सो आउटपुट V0 विल बी 5 वोल्ट, दैट इज VCC। नाउ वी कैन से दैट आउटपुट V0 इज लॉजिक 1, तो हम क्या कह सकते हैं कि V0 पे जो लॉजिक है वो 1 है, विच मीन्स कि अगर मुझे V0 पे निकालना भी होगा तो वो कैसे निकलेगा, VCC माइनस ICRC वाले रजिस्टर के थ्रू आ रहा है, तो ये हमारा इस तरीके से निकलेगा, जो हमारा आंसर वो आएगा वो एक बड़ी क्वांटिटी आएगी जिसको हम कह सकते हैं लॉजिक 1 है, क्लियर है। सिमिलरली जब मैं केस सेकंड की बात करूंगा तो इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई, ठीक है, तो केस सेकंड में इसमें था इफ एनी इनपुट इज जीरो, अब है इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई द बेस एमिटर कम्स इन रिवर्स बायस, सो द बेस कलेक्टर कम जंक्शन कम्स इन द फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। सो दिस बेस कलेक्टर जंक्शन बी टू कैन नाउ ट्रिगर टी टू, अब ये जो बी टू है हमारा फंक्शन, मतलब अब ये जो हमारा बी टू है वो हमारा इस टी टू को ट्रिगर कर देगा, ये जो हमारा B2 है ये T2 को ट्रिगर कर देगा, अगर मैंने इसको T2 बोल दिया और इसको T1 बोल दिया, ठीक है, तो T2 जो है हमारा किस में चला गया, ऑन स्टेट में। सिमिलरली नाउ VCC विल नाउ फ्लो करंट इन T2 ट्रांजिस्टर, अब VCC जो है उससे हमारा करंट फ्लो कर जाएगा इधर V3 की तरफ, ये इस तरीके से करंट आएगा क्योंकि अभी ये ओपन सर्किट नहीं है, अभी क्लोज सर्किट हो गई, तो करंट इस तरीके से इधर भी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब अगर ये इधर फ्लो कर जाएगा तो होगा क्या कि ये हमारा T3 भी ऑन स्टेट में चला गया, T3 ऑन स्टेट में हो गया, नाउ VCC विल फ्लो करंट इन T2 ट्रांजिस्टर ब्रांच एंड दैट विल अगेन ट्रिगर T3 एंड T3 इज ऑल्सो इन ओपन स्टेट, तो हमें V0 क्या मिलेगा, VCE मिलेगा, VCE दैट इज सैचुरेटेड रीजन, तो हमारा कितना मिल गया 0.2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट को हम कैसे रीड करेंगे, दैट इज लॉजिक 0, तो हमने क्या कहा कि सारे इनपुट 1 है, तो NAND गेट की सर्किट के अकॉर्डिंग 0 हो गया, हेंस वी हैव वेरीफाइड द NAND गेट सर्किट वर्किंग, क्लियर है। द नेक्स्ट वी हैव द TTL NAND गेट विद द टोटम पोल आउटपुट, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी VCC हमने लिया हुआ है, वही सर्किट डायग्राम है, ट्रांजिस्टर बना दिया, रजिस्टर बना दिया, T2 ट्रांजिस्टर है, T1 सेक्शन है, T2, T3 और T4 सेक्शन है, ठीक है। अब ध्यान ही रखना है कि जहाँ पे जो मैंने ट्रांजिस्टर 4 लगाया है उसके साथ एक डायोड लगा दिया है, ठीक है, बस इतना ही फर्क है, टोटम पोल दैट इज सिंपली डिनोट द डायोड कनेक्शन, ठीक है, टोटम का मतलब भी कहीं ना कहीं वो डायोड के कनेक्शन से आपको रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसका मैंने एक ग्राफ जो है डायग्राम वो ये बना दिया कि इनपुट है, ये बेस एमिटर है, बेस कलेक्टर, जैसे मैंने उसमें बनाया था बी वन और बी टू का, ठीक है। अब देखिए केस नंबर वन में हमें इसमें भी NAND गेट की वर्किंग सर्किट को ही वेरीफाई करना है, तो कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी इनपुट इसमें हमारा जीरो है, दैट इज ए बी सी, तो मैंने क्या बताया
था कि बेस एमिटर जंक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगा और बेस कलेक्टर किस में हो जाएगा, हमारा रिवर्स बाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर जो ट्रांजिस्टर T1 है वो किस में चला गया, एक्टिव स्टेट में। अब T1 अगर एक्टिव स्टेट में चला गया तो T2 को उतना पोटेंशियल नहीं मिल पाएगा कि वो हमारा जो है ऑफ स्टेट हो जाएगी, क्योंकि T2 विल बी इन ऑफ स्टेट बिकॉज ऑफ नो ट्रिगरिंग। तो B2 पे जो पोटेंशियल है वो इतना नहीं हो पाएगा कि वो T2 को ट्रिगर कर पाए, ठीक है। और T2 अगर ट्रिगरिंग नहीं हुई तो T2 हमारा ऑफ स्टेट में चला गया, मतलब T2 एक ओपन सर्किट हो गया, और T2 ओपन सर्किट हो गया मतलब यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं आ पाएगा, तो T3 को भी ट्रिगर नहीं कर पाएगा, तो T3 भी ऑफ स्टेट में चला गया जो ओपन सर्किट हो गया। और ओपन सर्किट के बाद सीधे सीधे जो कनेक्शन है वो किससे आया, वो डायरेक्टली हमारा इस डायोड के थ्रू आ गया जो हमें वी नॉट पे मिल गया। तो दिस विल बी आर आउटपुट, तो हमें क्या मिलेगा, लॉजिक वन मिलेगा क्योंकि 5 वोल्ट से आ रहा है। तो बस वही मैंने लिख दिया है कि T2 विल बी ऑफ स्टेट बिकॉज ऑफ नो ट्रिगरिंग, सो सिमिलरली T3 विल ऑल्सो बी ऑफ स्टेट, T4 विल बी ऑन स्टेट, T4 ऑन हो जाएगा, ठीक है। T4 हमारा किस में जाएगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा। एंड वी नॉट इक्वल्स टू, अब तो हमें वी नॉट क्या मिलेगा, हमें वी नॉट मिलेगा VCC माइनस ICRC4, ठीक है, और माइनस जो हमारा ये ट्रांजिस्टर दैट इज VCE सेचुरेशन, ठीक है, और जो हमारा डायोड है VD, ठीक है, दैट इज VD। तो ये हमारा जो है आउटपुट हमें मिल जाएगा वी नॉट पे, वही हमने इसमें लिख भी दिया है, और ये हमने इसकी एक सर्किट बना दी है फॉरवर्ड बाइजिंग में, रिवर्स बाइजिंग में, ऑन ऑफ, ठीक है, ये सब हमने लिख दिया है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा, ये हमने पूरा एक डायग्राम इसका बना देना है, क्लियर है। ये जो ऑन है वो पर्टिकुलरली इसको दिखा रहा है, ठीक है, और ये ऑफ जो है ये मैंने गलत लिख दिया है, जरा आप ऑफ मत लिखिएगा, ये सिंपली जो है ऑन को ही नोट करेगा, क्योंकि ये वाला जो सर्किट है वो हमारा ऑन स्टेट पे हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं केस नंबर सेकंड पे ऊपर। अब केस नंबर सेकंड में क्या होगा, जब सारे इनपुट्स हमारे वन हो जाएंगे, तो जब सारे इनपुट्स हमारे वन हो जाएंगे तो उस केस में हमारा जो ये वाला सेक्शन है दैट इज द बेस एमिटर जंक्शन दैट विल बी इन द रिवर्स बाइजिंग, एंड बेस कलेक्टर हमारा किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में हो जाएगा। अब बेस कलेक्टर फॉरवर्ड बाइजिंग में हो गया मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो VCC है वो हमें मिलेगा, तो B2 पे जो पोटेंशियल है वो ट्रिगर कर पाएगा T2 को, तो T2 किस में हो गया, ओपन सर्किट में हो गया। और एक बार अगर हमारा T2 जो है वो ओपन सर्किट में हो गया तब क्या होगा, तो जो पोटेंशियल है हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमारा T3 को भी ट्रिगर कर देगा। और एक बार अगर हमारा T3 ट्रिगर हो गया, तो T3 किस में चला जाएगा, ऑन स्टेट में चला जाएगा, मतलब वो ओपन सर्किट नहीं हुआ, तो सारा का सारा जो वी नॉट है वो एक तरीके से हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपली दिखाया है कि किस तरीके से ट्रिगरिंग हो रही है। और अब देखिए, अब जो यहाँ पे समझाने वाली बात थी, ये ऑन में है, ये ऑफ कैसे हुआ, ये ऑफ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो ऑन है, तो इसका जो कलेक्टर जंक्शन है वो T4 को ट्रिगर नहीं कर पाएगा, तो वो T4 को ट्रिगर नहीं कर पाया इसलिए वो ऑफ स्टेट में चला गया। और T4 अगर ऑफ गया तो हमें डायरेक्टली VCC पे नहीं मिलेगा, तो इसका कनेक्शन डायरेक्टली किससे हो गया, डायरेक्टली इस वाले ट्रांजिस्टर से ग्राउंड की तरफ हो गया, डायरेक्टली इस वाले ट्रांजिस्टर से देखिए ग्राउंड की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें सर्किट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा TTL NAND गेट वर्किंग विद द टोटम पोल आउटपुट। तो जो समझाया मैंने वही इधर थ्योरी भी लिख दी है, ठीक है। अब ये जो हमारा VBE4 है वो हमें क्या मिलेगा, VCE2 प्लस VBE3, ठीक है। अब VCE2 क्या है, 0.2 वोल्ट जो हमें पहले मिल रहा था, पहले वाले जो हमने सर्किट डायग्राम में देखा था, और VBE3 0.7 वोल्ट जो हमारा ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करने के लिए वोल्टेज चाहिए, दैट इज 0.9 वोल्ट। तो टू टर्न ऑन T4 वी विल नीड टू एटलीस्ट हैव 0.7 प्लस 0.7, हमें दो वोल्टेज चाहिए होंगे 1.4 वोल्ट के, ठीक है, लेकिन 1.4 वोल्ट से कम है, तो T4 किस में चला गया, ऑफ स्टेट में, इसलिए वो लॉजिक जीरो हो गया। तो ये आपको लिख के आना है कि T4 कैसे ऑफ स्टेट में गया, ठीक है, बाकी तो समझा देंगे, बट ये और समझाना पड़ेगा कि T4 स्टेट में कैसे गया। तो यू विल बी राइटिंग दीज लाइंस, ठीक है, तब आपको जो है फुल मार्क्स इसमें अवॉर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव द एमिटर कपल लॉजिक दैट इज ECL, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो मैंने आज आपको बताया, TTL NAND गेट, टोटम पोल और ECL। अब देखिए एमिटर कपल लॉजिक की सर्किट आप देख पा रहे हैं, इस सर्किट में क्या हो रहा है, हमारे पास R1 R2 दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं, जिसमें हमारे पास R1 वाली ब्रांच में जो है दो ट्रांजिस्टर कनेक्टेड हैं, T1 T2 T3 हमारे एक सर्किट कनेक्टेड है, R2 R1 दो रजिस्टर लगे हुए हैं, VCC कनेक्टेड है ऊपर। अब VCC ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू -VEE दैट इज -5.2 वोल्ट, ठीक है, और इसमें T5 और T4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक Y1 है और एक Y2 है। RE3 और RE4 हमारे पास दो रेजिस्टेंस हमने दिए हुए हैं इस एमिटर फॉलोअर आउटपुट वाले सेक्शन में। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाली सर्किट है, और ये है एमिटर फॉलोअर आउटपुट। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इन सबको आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वहाँ पे एग्जाम में लिख देना है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बता देना है। अब डिफरेंशियल अब ये जो पर्टिकुलर सीरीज जो हमारी सर्किट होती है उसमें हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सेक्शन होता है, एक एमिटर फॉलोअर आउटपुट का सेक्शन होता है, और एक हमारा वोल्टेज बायसिंग और टेम्परेचर कंडेंसेट का जो है वो सेक्शन होता है, ठीक है, वोल्टेज फॉलोअर एंड वोल्टेज बायस एंड टेम्परेचर कंडेंसेट का एक सेक्शन होता है। तो ये तीन सेक्शन हमारे पास होते हैं इसमें, ठीक है, तो जिसमें से जो आपको मेन सेक्शन जो आपको देखेंगे वो इसमें दो सेक्शन देखेंगे, दैट इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर सेक्शन एंड द एमिटर फॉलोअर आउटपुट सेक्शन। अब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर सेक्शन क्या करता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर सेक्शन ऐसा करता है कि अगर एक पर्टिकुलर ब्रांच में दो ट्रांजिस्टर ऑन है तो जो अगली ब्रांच होगी उसके ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे, और अगर उस दूसरी वाली ब्रांच के ट्रांजिस्टर ऑन है तो पहली वाली ब्रांच के कोई भी ट्रांजिस्टर हो तो वो पूरे ऑफ की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर T1 T2 में से एक भी ऑन हुआ तो वो पूरी सर्किट को ऑन माना जाएगा और दूसरी सर्किट अपने आप ऑफ हो जाएगी,
ठीक है। और अगर T3 को ऑन माना गया तो T1 और T2 दोनों ऑफ माने जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको हम टेबल से समझेंगे, टेबल से, क्योंकि हमें और नॉर की टेबल को वेरीफाई करना है, क्योंकि एमिटर कपल लॉजिक जो है वो हमारा और नॉर गेट की टेबल को वेरीफाई करने में काम आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला है हमारा ए बी, तो ए बी के हमारे पास दो चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0001 1011, क्योंकि हमने दो इनपुट दिए हुए ए और बी। अब देखिए ट्रांजिस्टर T1 के लिए जब मैं बात करूंगा तो ट्रांजिस्टर T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है। अब ध्यान से समझिएगा, जब मैं T1 T2 को मान रहा हूँ दोनों 0 हैं, तो दोनों 0 से कनेक्टेड है, 0 मतलब ऑफ हो गया, तो ऑफ ऑफ हो गया। अब ये ऑफ है, तो मैंने बताया जब ये दोनों ऑफ होंगे तो ये पूरी सर्किट ऑफ हो गई, ठीक है। अगर एक भी ऑन होता तो पूरी सर्किट ऑन होती, तो यहाँ पे दोनों ऑफ है तो ऑफ हो गई, ये ऑफ हो गई, मतलब T3 ऑन हो जाएगा, तो T3 ऑन हो गया। अब T3 ऑन हो गया, अब देखिए T4 और T5 पे कैसे मिलेगा, अब होगा क्या, T3 जो है ये T1 T2 तो मेरा ऑफ है, T1 T2 कैसा है मेरा ऑफ है। तो अब अगर मेरा ये दोनों ऑफ हैं तो जो मेरा VCC वोल्टेज है वो मेरा कहाँ पे आ रहा है, सारा का सारा जो है वो मेरा T4 पे आ रहा है, दैट इज द बेस इनपुट ऑफ द T4, तो ये हमारा T4 को ट्रिगर कर देगा और T4 हमारा किस में चले जाएगा, ऑन स्टेट में। लेकिन अब आप देखिए अगर यहाँ पे हमारा T3 ऑन स्टेट में है तो ऑल द वोल्टेज विल कम दिस पाथ एंड दिस विल बी कम इन टू द ऑफ पार्ट, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ट्रांजिस्टर T5 ऑफ स्टेट में चला गया, तो ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। अब हमें पता है कि Y1 से क्या कनेक्टेड है, T5, तो T5 ऑन स्टेट में, मतलब लॉजिक 1 हो जाएगा, तो हमने लॉजिक 1 दे दिया। दैट मीन्स मतलब समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि T5 किस में चला गया हमारा, ऑफ स्टेट में चला गया, तो Y1 किस में आ जाएगा हमारा, क्योंकि Y1 से कनेक्ट है तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब अगर मैं T4 के लिए बात करूँगा तो T4 में क्या हो जाएगा, मैंने गलती से बोल दिया था कि T5 जो है वो हमारा ऑन में, तो T5 जो है किस में, ऑफ में है हमारा, और Y1 किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। अब अगर मैं Y2 के लिए बात करूँ तो Y2 के लिए क्या हो रहा है, ये T4 किस में है, ऑन स्टेट में है, तो Y2 से कनेक्टेड है तो हमारा लॉजिक 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इसी केस के लिए, ये 0 1, ठीक है। अब अगले केसेस के समझने के लिए आपको ऊपर VCC और जो V-VEE दिया हुआ है उससे समझना पड़ेगा। अब देखिए, अब अगला केस है 0 1, तो 0 1 का मतलब है ए पे 0 दिया, बी पे मैंने 1 दिया, तो अब ये पूरी सर्किट कैसी हुई, ऑन, क्योंकि एक ऑन हो गया तो पूरा ऑन सिस्टम, ये हो जाएगा ऑफ। अब T3 ऑफ हो गया, अब ये ऑन हो गया, मतलब सारा का सारा जो VCC है वो मुझे डायरेक्टली इस पे मिलेगा, मतलब ये जो है वो मेरा डायरेक्टली VEE में जाएगा, क्लियर है। तो T1 T2 तो ऑफ और ऑन हो गया, T3 ऑफ हो गया, तो T4 कैसा हो जाएगा इसमें, ऑफ, देखिए T4 कैसा हो जाएगा मेरा, ऑफ हो जाएगा। अब T4 मेरा ऑफ है और इस केस में मेरा T5 ऑन है, क्योंकि ये T3 पे जो है वो मेरे पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट। अब सिंस T3 मेरा कैसा है, ऑफ है, तो T3 अगर मेरी ब्रांच ऑफ है तो सारा का सारा VCC वो डायरेक्टली मेरा इस पे चला जाएगा, दैट इज T5 पे, और T5 वाला ट्रांजिस्टर जो है वो किस में हो जाएगा, एक्टिवेट रीजन में हो जाएगा, दैट इज T5 कैसा हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब T5 देखो, T5 हमारा ऑन है, T4 हमारा कैसा है, ऑफ है, क्योंकि हमारे ये दोनों ट्रांजिस्टर कैसे हो गए थे, एक्टिवेट हो गए थे, मतलब एक ट्रांजिस्टर एक्टिवेट है तो दोनों एक्टिवेट हो गया रीजन, तो डायरेक्टली वोल्टेज जो है वो इससे पास हो गया, क्लियर है। अब देखने वाली चीज़ है, अब T4 किससे है, ऑफ से कनेक्टेड है, T4 ऑफ है, मतलब Y2 से कनेक्टेड है, तो Y2 पे कितना मिल गया मुझे, लॉजिक 0 मिल गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं Y1 के लिए बात करूं तो Y1 पे कैसा मिल गया मुझे, लॉजिक जो है वो 1 मिल गया, क्योंकि T5 मेरा ऑन है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमने देखा कि 1 0 वाली कंडीशन, तो 1 0 वाली कंडीशन के लिए, 1 0 वाली कंडीशन में A 1 है, B 0 है, मतलब ये पहली वाली ब्रांच जो है वो ऑन ही हो जाएगी, क्योंकि T1 ऑन है, तो ये ऑन हो गया, T3 मेरा कैसा चला गया, ऑफ चला गया, T3 हमारा कैसा हो गया, ऑफ, तो T1 ऑन है, T2 ऑफ है, T3 ऑफ हो गया, क्योंकि ये पूरा सेक्शन ऑन में है। अब ये ऑफ है, अब देखो क्या होगा कि अब हमारा इसमें फिर से वही होगा कि ये वाला सेक्शन ऑन था तो हमारा T4 पे ट्रिगरिंग नहीं होगी, डायरेक्टली जो है वो हमारा वोल्टेज इससे पास हो जाएगा, तो T4 हमारा किस में चला गया, ऑफ स्टेट में चला गया, T4 हमारा ऑफ स्टेट में चला गया, और T5 हमारा किस में चला गया, ऑन स्टेट में चला गया, तो हमारा ये 1 0 फिर से वही आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन अब लास्ट वाले केस को और देख लेते हैं, दैट इज 1 1। अब 1 1 में हमारा T1 और T2 दोनों ऑन है, ये भी ऑफ है, अब ये ऑफ है, तो देखो T4 ऑफ है और T5 भी ऑन है, बिल्कुल वही कैरेक्टरिस्टिक चल रही है जो मैंने ऊपर के पहले इस वाले सेकंड वाले स्टेप में समझा दी, ठीक है, वही कैरेक्टरिस्टिक चल रही है, ऑफ ऑफ ऑन, ठीक है, और ऑफ ऑफ ऑन है तो हमारा ये इधर 0 0 मिला है। अभी 0 0 कैसे मिला वो समझिए। नाउ सिंस वी सी इन द सर्किट कि हमारे पास VCC कैसा है, 0 है, अब ये 0 जो है T1 और T2 मेरे दोनों ऑन हो गए। अब T1 और T2 दोनों ऑन हो गए तो दोनों जो है वो ड्रॉ करेंगे करंट, या जो है मैं कह सकता हूँ वोल्टेज जो है वो पूरा उस सर्किट से, पूरा पर्टिकुलरली VCC से हमारा T1 और T2 की तरफ आएगा, और T1 और T2 की तरफ आया तो वो जनरली क्या क्या वो ये जरूर कर रहा है कि अब T3 वाले सेक्शन में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि T3 ऑफ हो गया, जैसे ही वो T1 T2 वाले सेक्शन में गया तो आप सोचेंगे कि T3 ऑफ है तो T5 ऑन हो जाएगा, बट कि T5 तो ऑन है, ठीक है, बट Y1 पे हमें लॉजिक 1 नहीं मिलेगा। उसका कारण जो है वो ये है कि जो हमारा T1 T2 है वो डायरेक्टली ये जो 0 है, इस 0 का हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा डायरेक्टली VEE की तरफ ट्रांसलेट हो जाएगा, और जब ये ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस होगा तो हम लॉजिक जो ये 0 से है वो हम किसकी तरफ आ गए, वो हम डायरेक्टली जो है इस -5.2 वोल्ट की तरफ आ गए। और ये डिनोट क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर यही डिनोट कर रहा है कि जो दोनों सेक्शन की जो हमारी वैल्यूज हैं वो लॉजिक जो 1 था, मतलब ये जो इसे हम ज़्यादा पॉजिटिव मानेंगे, इसे हम ज़्यादा नेगेटिव मानेंगे एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ऊपर वाली क्वांटिटी लॉजिक 1 हो गई, नीचे वाली क्वांटिटी लॉजिक 0 हो गई, तो इसलिए जब दोनों से जो है वो हमारा इधर ट्रांसलेट हो गया तो हमारा जो लॉजिक जो है वो दोनों पे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव से 0 की तरफ आ गया, तो पूरा का पूरा आउटपुट ही हमारा जो है वो हमारा 0 की तरफ आ गया, इसलिए हमारा Y1 Y2 कैसा हो गया, 0 0। तो बस वही मैंने लिख दिया, Y1 Y2 0 0 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा और गेट की वर्किंग, ये हो जाएगी नॉर गेट की वर्किंग, ठीक है, क्योंकि ये और गेट का आउटपुट आते हैं इन कॉम्बिनेशन पे, और ये जो आउटपुट है वो हमारे नॉर गेट के आते हैं।
सिंबल इसका कुछ इस तरीके से होता है। बाकी इसके बारे में थ्योरी अगर आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर बुक से तो उससे भी रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको टेबल बना के आनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके आइएगा, ठीक है। ये सर्किट बना दीजिएगा एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर द एमिटर कपल लॉजिक। अब हम सीखेंगे इसी वीडियो में कि कैसे हम डिफरेंट फंक्शंस को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शन को जनरेट करने के लिए सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन चलता है वो है सीमॉस का। अब सीमॉस से हम इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए हमें पीमॉस और एनमॉस की जरूरत पड़ती है। देखो पीमॉस को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, दोनों सिंबल होते हैं, जनरली हम इस वाले सिंबल को प्रेफर करते हैं। ये बता दिया मैंने आपको, गेट सोर्स ड्रेन, ठीक है, अटैक्स एज अ पुल अप नेटवर्क। ध्यान रखना है पीमॉस पुल अप नेटवर्क की तरह काम करता है, एनमॉस पुल डाउन नेटवर्क की तरह काम करता है, क्लियर है। देखिए नोटिस करने वाली बात ये थी कि पीमॉस में देखिए बार लगा हुआ है, एनमॉस में नहीं लगा हुआ है, बस इससे आप याद रख सकते हैं। तो हमारी जो सर्किट बनती है सीमॉस वाली तो वो कुछ इस तरीके की बनती है कि पुल अप नेटवर्क ऊपर होगा, पीडीएन नेटवर्क नीचे होगा, बीच में हमारा वी आउट आ रहा है और ये हमारा वी इन है, या हम कह सकते हैं वीडीडी। तो वी इन तो जनरली नहीं दिखाते हैं, बट वो जनरली हमारा वी इन जो है वो वही होगा जो वोल्टेजेस हमारे लगे होंगे उस पर्टिकुलर सर्किट में एबीसी के फॉर्मेट में, क्लियर है, ठीक है। ये हमारा सर्किट होती है, या हम इसको इस तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हैं, दोनों तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर बार लग गया तो वो पीमॉस की सर्किट को नोट कर रहा है, नीचे कुछ नहीं लगा तो वो एनमॉस की सर्किट को नोट कर रहा है। अब ध्यान इसमें ये रखना है कि जब लॉजिक लेवल जीरो रहता है तो हमारा पीमॉस ऑन होता है, और जब लॉजिक लेवल वन रहता है तो हमारा एनमॉस ऑन रहता है। तो कौन कौन ऑन रहता है, जीरो पे पीमॉस ऑन है और वन पे हमारा एनमॉस ऑन है, क्लियर है। तो वी आउट हाई हो गया अगर लॉजिक लेवल जीरो है, और वी आउट लो हो गया अगर लॉजिक लेवल वन है, इन केस ऑफ। तो कंडीशन लग जाएगी कि वी आउट हाई कब है, वी आउट हाई है जब लॉजिक जीरो है इन केस ऑफ पीमॉस, तो पीमॉस के केस में, और यही क्योंकि ऑन वाली कंडीशन को आपको याद रखना है, और इन केस ऑफ एनमॉस, क्लियर है। अब देखो पीमॉस में जो एंड ऑपरेशन होता है वो हमारा पैरेलल में होगा और ऑपरेशन सीरीज में होगा, ठीक है। एनमॉस में एंड ऑपरेशन सीरीज में और पैरेलल में उल्टा चलेगा, तो एक को याद कर लो, एनमॉस में अपने आप उल्टा कर देना, ठीक है। तो पीमॉस में एंड ऑपरेशन सीरीज पैरेलल में और ऑपरेशन सीरीज में। तो अब जैसे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन आता है तो रियलाइज द फंक्शन वाई इक्वल्स टू बी, तो इसके तीन स्टेप होते हैं। पहले आपको इस जो हमारे वाई दिया होगा उसका एक बार और बार करना पड़ेगा, एक बार और बार करना पड़ेगा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में सर्किट डायग्राम बनेगा, तीसरे स्टेप में इसमें ट्रुथ टेबल भी बनती है, ठीक है, ट्रुथ टेबल भी बनती है और ट्रुथ टेबल की वेरिफिकेशन भी होती है। अब इस क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल की इतनी जरूरत नहीं थी, तो ये मैं आपको एक बेसिक से बता रहा हूँ। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो इसमें दिखाऊंगा, वो बिल्कुल ढंग से करा हुआ और उस तरीके से करेंगे आप, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक आइडिया दे देना है कि जैसे अगर आपको ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है यूजिंग सीमॉस, तो वाई बार करोगे पहले स्टेप में, तो बार करोगे तो ये बार बार कट हो जाएंगे क्योंकि इन्वोल्यूशन लॉ लग गया, तो ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अब इसको इंप्लीमेंट करना है तो पहले सर्किट डायग्राम बनेगा पीमॉस का, फिर एनमॉस का, और दोनों की मर्जिंग कर देंगे हम, जो मैंने इधर दिखाया था आपको, ये पी यू एन पी डी एन बनेगा, दैट इज पीमॉस और एनमॉस, और फिर दोनों की मर्जिंग ऊपर नीचे, ठीक है। तो पहले मैंने बना दिया पी डी एन, दैट इज एनमॉस वाली सर्किट। तो देखो जो एनमॉस वाली सर्किट बनेगी उसमें क्या बनेगा, अब ये ए बी प्लस सी डी है, तो पी डी एन में एनमॉस में क्या होता है, एंड ऑपरेशन हमारा सीरीज में होता है। तो अब देखो बी प्लस सी डी, तो पहले सी डी ये हमारा एंड में है, तो एंड किस में हो जाएगा, हमारा सीरीज में हो जाएगा एनमॉस के केस में। तो एनमॉस में देखो ये हमारा सी डी सीरीज में आ गए, और बी के साथ ये प्लस में है, मतलब एड और ऑपरेशन पैरेलल में हो जाएगा, तो बी के साथ ये और में आ गया। अब अगेन ये डॉट हो रहा है ए के साथ, मतलब सीरीज है इस पूरी सर्किट के साथ, इस पूरी सर्किट के साथ ये किस में है, सीरीज में। तो ये पूरा सेक्शन जो है वो ए के साथ सीरीज में चला गया, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा एनमॉस का नेटवर्क। इसी तरीके से आप पीमॉस का नेटवर्क बनाएंगे। पीमॉस में क्या होगा कि ये सी डी जो है वो एंड ऑपरेशन पैरेलल में होता है, तो सी और डी को पैरेलल रखेंगे। देखिए सी और डी को पैरेलल लग दिया, ऊपर एक वीडीडी लगा दिया, क्यों, क्योंकि वीडीडी मैंने आपको बताया था कि ऊपर से वीडीडी आता है एनमॉस पीमॉस में, क्लियर है। और इसमें जो है इधर से हमारा एक क्या आता है, आउटपुट आता है, दैट इज वी आउट, ठीक है, ये वी आउट आता है। तो ये वी डी डी लग गया, बाकी सी और डी पैरेलल में हो गए। अब ये बी के साथ प्लस में है, मतलब और ऑपरेशन किस में होता है, सीरीज में होता है, तो और ऑपरेशन मैंने बी के साथ सीरीज में कर दिया। अब ये डॉट हुआ है ए के साथ, मतलब पूरी क्वांटिटी ए के साथ पैरेलल में है, तो ए के साथ पैरेलल में कर दी, ठीक है। और देखो बार लगा हुआ है, बबल लगा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है कि बबल किस में लगना है, किस में नहीं। तो ये हो गई हमारी पी यू एन की सर्किट, और ये हो गई पी मॉस, क्लियर हो गया। तो ये पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट वाला, जिसमें हमने रियलाइज करा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, अगले स्टेप से मैं आपको दोनों को अलग अलग नहीं बनाऊंगा, डायरेक्टली एक ही बना दिया करूंगा। तो जो फाइनल सर्किट डायग्राम बनेगी, तो वो पीमॉस वाला नेटवर्क ऊपर आ गया, ये एनमॉस वाला नेटवर्क नीचे आ गया, नीचे हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ऊपर हमने वीडीडी लगा दिया है, और इधर हमने वाई नॉट लिख दिया, या हम इसको लिखते हैं और वी नॉट, दैट इज वी आउटपुट, ठीक है, या वी आउट, ठीक है। अब वाई नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास जो वाई में फंक्शन दिया हुआ है इसलिए मैंने वाई नॉट लिखा है, एफ दिया होता तो एफ नॉट लिखते इस तरीके से। अब इसमें ट्रुथ टेबल भी बनेगी, जो मैंने आपको बताया था कि ट्रुथ टेबल आल्सो ड्रॉन अंडर दिस क्वेश्चन, बट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बनाओगे तो वो अगेन वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत लंबा खिंचता है, तो हमें वो मैं जो मेन जो क्वेश्चन इस तरीके से जो पूछे जाते हैं वो बता दूंगा, बाकी आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है इंप्लीमेंट द नैंड गेट यूजिंग सीमॉस, इसी में आता है इंप्लीमेंट द जॉर गेट यूजिंग सीमॉस, वो भी दिखाएंगे। पहले नैंड गेट समझते हैं, ए डॉट बी बार यही होता है वाई कुछ नैंड गेट में, ठीक है, ये दिया नहीं है वाई डॉट ए डॉट बी बार, ये मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो सिर्फ क्वेश्चन दिया है इंप्लीमेंट नैंड गेट यूजिंग सीमॉस, तो वाई कोस टू ए डॉट बी इसकी क्वेश्चन होती है ए डॉट बी बार। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट करने पर क्या जाएगा ए डॉट बी, अब इसको इंप्लीमेंट करना है। तो सर्किट डायग्राम इसका कैसे बनेगा, अब मैंने कहा था मैं डायरेक्टली मर्ज करूंगा, तो पीमॉस एनमॉस अलग नहीं बनाया, एक ही सर्किट मैंने बना दिया है। तो पहले वीडीडी बनेगा, अब वीडीडी के बाद ए बी किस में है, डॉट में है, तो एंड ऑपरेशन किस में होता है, पैरेलल में होता है इन केस ऑफ पीमॉस नेटवर्क, तो पीमॉस मैंने दोनों को पैरेलल में लगा दिया। अब ए डॉट बी किस में होता है, सीरीज में होता है इन केस ऑफ
एंड एंड ऑपरेशन सीरीज में होता है एनमॉस में, तो एनमॉस वाली सर्किट में ये एनमॉस है और एनमॉस में हमने ए डॉट बी को सीरीज में लगा दिया क्योंकि ये एंड ऑपरेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे इस तरीके से। अब ये जब बना दिया वाई क्वेश्चन ए डॉट बी बार लिख दिया, ए बी इधर लिख दिया, ये कनेक्शन कर दिए, ए डॉट बी इधर लिख दिया, क्लियर है, ये समझ में आ गया ना, ये बिल्कुल सिंपली करा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करा है, अब मुझे इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, ट्रुथ टेबल ए बी की, अब ये ट्रुथ टेबल बन गई। तो पहला स्टेप कॉम्प्लीमेंट, दूसरा सर्किट डायग्राम, तीसरा हो गया ट्रुथ टेबल, और थर्ड स्टेप इसमें होता है दैट इज द, या फोर्थ स्टेप जिसे हम बोल सकते हैं, वेरीफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल। वो कैसे करते हैं, ट्रांजिस्टर की नेमिंग कर दीजिए M1, M2, M3, M4। अब एक बार में समझ लीजिए, ये क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा। अब वेरीफिकेशन बाय टेबल में देखें तो ए बी की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएंगी, दो है वेरिएबल, दो की पॉसिबिलिटी 0001011। अब M1, M2, M3, M4 क्योंकि चार ट्रांजिस्टर लिए हैं। अब देखो कि जब हमने 00 लिया है तो ऐसे मान के चलो कि पहले M1 के लिए एनालाइज करेंगे। तो M1 क्या है, नीचे वाला नेटवर्क है, दैट इज NMOS है, और NMOS में NMOS में क्या होता है, NMOS में हमें पता है कि M1 वाला सेक्शन जो 0 के लिए है वो हमारा पर्टिकुलरली कब ऑन होता है, तो NMOS जो है वो 1 के लिए ऑन होता है और PMOS 0 के लिए ऑन होता है। तो NMOS जब 1 है तब हमें देखना है। तो M1 पे क्या लगा हुआ है, B लगा हुआ है, तो B की वैल्यू को देख लेना। अब B में 0 पे क्या हो जाएगा, ऑफ, क्योंकि मैंने बताया NMOS 0 पे ऑफ रहता है और 1 पे ऑन रहता है, ऑन हो गया, 0 पे ऑफ, 1 पे ऑन। सिमिलरली M2 किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है, और M2 भी NMOS का नेटवर्क है, मतलब इसमें भी हमें 0 देखना है, 0 पे ऑन है, मतलब 1 पे ऑन है सॉरी। तो 1 को देख लो कि यहाँ पे 1 1 है तो ऑन कर दिया, जहाँ पे 0 है वहाँ पे ऑफ कर दिया। सिमिलरली जब M3 के लिए बात करूँगा तो M3 आ गया हमारा A से कनेक्टेड है, और M3 है किस में, M3 हमारा PMOS में, तो PMOS में 0 पे एक्टिव हो जाएगा। तो P3, तो M3 में 0 पे एक्टिव, मतलब ऑन ऑन ये हो जाएगा, ऑन ऑन, और ये हो जाएंगे ऑफ ऑफ। ठीक है, तो इधर पे देखो ऑन ऑन ऑफ ऑफ। ठीक है, अब M4 के लिए देखें तो M4 के लिए भी वही हो जाएगा उस तरीके से कि M4 हमारा PMOS का नेटवर्क है। तो PMOS में क्या होता है, PMOS में क्या होता है बताइए, कि PMOS में हमारा 1 पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, सॉरी 0 पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, 0 पे ऑन हो जाएगा, तो 0 पे हम देखेंगे, और M4 कनेक्टेड किससे है, B से कनेक्टेड है, तो B की वैल्यू को देखो, तो B से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा ऑन ऑफ ऑन ऑफ, क्योंकि 0 पे ऑन है तो 0 पे ऑन कर दिया, बाकी सब पे ऑफ। अब ये आउटपुट कैसे आ रहे हैं वो समझते हैं। तो मान लो पहली कॉन्फ़िगरेशन 0 0 पे ऑफ ऑफ ऑन ऑन, तो ये ऑफ ऑफ है, मतलब M1 M2 ऑफ हो गया, मतलब ग्राउंड से तो कनेक्शन इसका कट गया, बचा M3 और M4। तो M3 और M4 से कनेक्टेड है, M3 और M4 ऑन है, मतलब ये डायरेक्टली क्लोज्ड है सर्किट, तो डायरेक्टली पूरा आउटपुट जो है वो हमारा इन दोनों से ट्रैवल करके डायरेक्टली वाई पे मिल जाएगा। तो हमारा आउटपुट कैसे आ गया, 1। अब देखिए आगे, अब अगर मैंने M1 M2 सो नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द 01 केस, तो 01 में क्या है, हमारे पास M1 क्या है ऑन है और M2 क्या है ऑफ है। तो M1 ऑन है, M2 ऑफ है, मतलब ये वाई से ग्राउंड का कनेक्शन कट गया, तो हमें डायरेक्टली जो है वो लॉजिक वाला ऊपर वाला मिल जाएगा, क्योंकि M3 कैसा है, ऑन है, तो इट विल फाइंड पार्ट 3 M3। ओके, सिमिलरली अगेन थ्रू M4 इट इज़ ऑफ, सो नो प्रॉब्लम, यू विल गेटिंग अ हाई आउटपुट थ्रू द M3 ट्रांजिस्टर। ओके, सो वी विल गेट 1। सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर द 10 एंड द 11 सेम केस। ओके, बिकॉज 10 विल बी ऑफ, सो 10 ऑफ M1, तो दिस इज ऑफ, सो वी विल नॉट गेट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें y 0 नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, अब M3 ऑन है और M4 ऑन है, दोनों ऑन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें डायरेक्टली y जो है वो लॉजिक 1 मिल जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड है और ये लॉजिक 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 1 में ऑन ऑन, अब ये दोनों ऑन हो गए हैं और ऊपर वाले दोनों ऑफ हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, नीचे जो y है वो हमें 0 मिल जाएगा, दैट इज 0। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने जो अपने NAND गेट की टेबल है वो भी वेरीफाई कर ली, क्योंकि NAND गेट की टेबल क्या होती है, ये होती है और ये होती है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, वो एक्सप्रेशन लिखना है, दैट इज y इक्वल्स टू वो वाला पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, उसके ऊपर डबल बार करा, और जब डबल बार करा तो हमारे पास जो फंक्शन आया उसे हमने इंप्लीमेंट करा इस सर्किट डायग्राम से। फिर हमने उनमें ए और बी नेमिंग दिए, ए और बी नेमिंग देने के बाद उनमें M1, M2, M3, M4 इस तरीके से नाम दे दिया, और एक ट्रुथ टेबल बनाई जिस टेबल की भी दिया हुआ, जैसे अगर NAND गेट का है तो NAND गेट को वेरीफाई करना है तो उसकी टेबल बनाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि उसमें डबल बार नहीं लगेगा, इसमें ये पूरा NAND गेट का एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर है, जब ये हो गया हमारा ये पूरा ट्रुथ टेबल वाला पार्ट, उसके बाद आपको वेरीफिकेशन ऑफ टेबल करना है, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट। अब एक और देख लेते हैं इसी में, वेरीफिकेशन ऑफ XOR गेट। सो नाउ वी हैव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द XOR यूजिंग CMOS। नाउ इफ यू सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ XOR यूजिंग CMOS, नाउ हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू एज और बी, अगर ये नहीं भी दिया हुआ तो आपको पता है ना कि y का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, एज और बी आ जाएगा। अगेन वी विल कॉम्प्लीमेंटेड, तो y का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, एज और बी का बार। क्लियर है, अब एज और बी को हम कैसे लिखते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी, यही इसका एक्सपेंशन होता है एज और बी का। ठीक है, ये हमने सेकंड यूनिट में और फर्स्ट यूनिट में, वैसे भी हमने फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एज और बी का हमारा ये आ जाएगा, अब इसके ऊपर बार, तो ये बार आ गया। अब देखिए, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो प्लस को डॉट में कन्वर्ट करेंगे और ये बार आ जाएगा। अगेन इधर भी हम अगेन वो लगाएंगे, कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ, तो ए के ऊपर बार, बी के ऊपर डबल बार हो जाएगा, तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बी वैसी रह गया, और डॉट जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। यही काम हमने इधर भी करा है। क्लियर है, अब हो गया ये हमारा वाई का, एक वाई बार का एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि पहले क्या करना होता है, जो वाई दिया होगा उसका बार करना होता है। ठीक है, तो सिंपली हमने बार कर दिया। अब इसका सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे, तो आपको मैंने बताया था कि PMOS में क्या होता है, एंड ऑपरेशन हमारा पैरेलल में होता है, और हमारा जो सीरीज वाला जो है जो कनेक्शन है वो कब होता है, जब हमारे पास और
और जो है ऑपरेशन हो, ठीक है। तो और ऑपरेशन जो है वो हमारा कब होगा, सीरीज में होगा। तो इसमें देखिए ए बार प्लस बी है, तो ये दोनों प्लस से जुड़े हुए हैं, मतलब और वाले साइन से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों को सीरीज में लगाएंगे। तो देखिए ए बार बी मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, सिमिलरली ए प्लस बी बार इन दोनों को भी मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और ये पीमॉस का नेटवर्क चल रहा है इसलिए बबल वाला नेटवर्क चल रहा है। और अब इनको मैंने नाम दे दिया, ये नाम बाद में दे दीजिएगा, पहले सर्किट ही बनाएंगे और वीडीडी ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को किस में रखा है, पैरेलल में, क्योंकि एंडिंग ऑपरेशन किस में होता है, पैरेलल में होता है। तो ये हो गया हमारा पीमॉस का नेटवर्क। अगेन एनमॉस का नेटवर्क बनाएंगे, तो ये हमें नीचे हम वायआउट निकालेंगे। और अब देखिए, अब एनमॉस में क्या होता है, जो एंड ऑपरेशन होता है वो किस में होता है, सीरीज में होता है। तो एंड ऑपरेशन सीरीज में होता है, मतलब ये दोनों जो है वो पूरे नेटवर्क सीरीज में आएंगे, और प्लस वाले किस में होते हैं, जो है वो हमारे पैरेलल में होते हैं। तो ए बार और बी ये दोनों हमारे पैरेलल में जाएंगे, तो ए बार और बी पैरेलल में गए, फिर ये अगेन ये सीरीज का नेटवर्क आया इसके साथ, फिर ये ए और ये बी बार इस तरीके से, ठीक है। अब सबको नाम दे दिया, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, क्लियर है, ये नाम दे दिया। अब सर्किट डायग्राम अपने बना दिया। अब इसके बाद जब ट्रुथ टेबल पे आएंगे, तो ए बी और एज और बी यही हमारे इनपुट्स होंगे भाई, ए और बी होंगे और एज और बी होगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या आता है, एज और बी में क्या होता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ वन है तो वन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब देखो 0, 0 में एक बार भी वन नहीं है, एक बार भी वन नहीं है, मतलब वन 0 बार है, और 0 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो वो डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 जो है वो हमारा ऑड, 0 जो है वो हमारा ऑड नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि एज और बी में आउटपुट जो है वो हमें 0 मिल गया। मतलब सिंपल सिंपल है कि जब 1 का काउंट ऑड हो, जब 1 का काउंट ऑड है तभी बनाना है। तो इसमें 1 का काउंट कैसा था, 0 था, और 0 इवन होता है, तो हम कह सकते हैं कि 0 इज डिविजिबल बाय 2, तो 0 क्या आ जाएगा हमारा, एज और बी के एक्सप्रेशन में आ जाएगा, मतलब एज और बी के एक्सप्रेशन में हमारा 0 जो है आउटपुट आ जाएगा। सिमिलरली अगर 0, 1 को देखो, तो काउंट 1 का कितनी बार है, एक बार है, तो एक क्या होता है ऑड नंबर होता है, तो इसलिए एक बार आ गया। इधर भी 1, 0 देखो, तो काउंट कितनी बार है, 1 है। 1 का काउंट कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 इज ऑड, 1 इज एन ऑड नंबर, सो 1 विल बी इट्स आउटपुट, 1 हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा। जब भी आउटपुट जो है हमारा 1 कब आता है, जब आउटपुट जो इनपुट है 1 का वो ऑड हो, ठीक है, ये तो पता है ना आपको, बिल्कुल नॉर्मल है। अब 1, 1 दो बार आया, तो दो बार आया 1, मतलब 2 इवन नंबर होता है, और 2 इवन नंबर होता है, तो हमारा आउटपुट क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इवन काउंटिंग पे हमें आंसर 0 मिल रहा है, ऑड काउंटिंग पे हमें आंसर 1 मिल रहा है, सिंपल सिंपल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा ये ट्रुथ टेबल। अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन वही करेंगे। अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो हमें पहले ए बनाना पड़ेगा, ए बार बनाना पड़ेगा, बी बनाना पड़ेगा, बी बार बनाना पड़ेगा एज इनपुट्स, और फिर M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास ए, ए बार, बी, बी बार मैंने बना दिया है। तो ए और बी के कॉम्बिनेशन देखिए पहले, तो 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, क्लियर है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो 1, 1, 0, 0 आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट 1, 0, 1, 0 आ जाएगा। अब M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बस हमें इतना ही याद रखना है कि 0 पर कौन ऑन होता है, पीमॉस ऑन होता है, 0 पर कौन ऑन होता है, पीमॉस ऑन होता है, बाकी एनमॉस हमारा 1 लॉजिक पे ऑन होता है। पहले देखेंगे M1 को। अब M1 क्या है, एनमॉस से, M1 क्या है, ए से कनेक्टेड है और एनमॉस कॉन्फ़िगरेशन में है, ए से कनेक्टेड है और एनमॉस कॉन्फ़िगरेशन में है, और एनमॉस में क्या होता है, 1 पर हमारा वो एक्टिव रहता है, मतलब 1 पर ऑन रहेगा। तो अगर आप देखो कि मैंने जब ए को देखा और M1 को देखा, तो 0 पे ऑफ है, 0 पे ऑफ है, 1 पे ऑन है, 1 पे ऑन है, क्लियर हो गया। सिमिलरली जब M2 के लिए देखेंगे, तो M2 बी से कनेक्टेड है, तो बी के लिए देखेंगे, एनमॉस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो 1 पे एक्टिव करेंगे। तो M2 को जब हमने बी पे देखा, तो बी पे ये ऑफ है, ये ऑन है, तो ये देखिए M2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑन। तो देखिए इसमें एरर क्या है, एरर ये है कि मैंने ये जो ए और बी बनाया है, तो मैंने इधर बी बार नहीं लगाया है, ठीक है, ये मेरा रह गया, तो इसलिए गलती हो गई थी। तो ये जो मेरा बी बार है, अब मैं इसको जब चेक करूंगा, तो M2 में भी, तो नोट्स वाले सेक्शन में भी आप ये करेक्ट कर लीजिएगा कि वहाँ पे जो है वो बी बार आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं उसमें करेक्ट कर दूंगा, तो ये जो बी बार बनेगा, तो ये मेरा बी बार आ गया। अब देखिए बी बार वाले सेक्शन में क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो बी बार जो है वो मेरे पास ये बी बार है। अब ये बी बार M2 से कनेक्टेड है, तो M2 को मैं बी बार पे फोकस करूंगा और 1 पे ऑन करूंगा, क्योंकि एनमॉस से कनेक्टेड है, 0 पर ऑफ, 1 पर ऑन और 0 पर ऑफ, क्लियर है। अब M3 को देखते हैं, M3 क्या है, ए बार, M3 क्या है, ए बार है, और अगर M3 ए बार से कनेक्टेड है, दैट मीन्स हमें ए बार को देखना है और एनमॉस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखना है, तो 1 पे ऑन हो जाएगा, 1 पे ऑन हो जाएगा, 0 पर ऑफ हो जाएगा, 0 पर ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए देखूंगा, तो B के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए भी सिंपली हम वही M4 के लिए इस तरीके से देखेंगे। अब किसी भी एक का मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, PMOS के लिए मान लीजिए आपने M7 को देखा, M7 किससे कनेक्टेड है, A बार से, तो M7 अगर आपका A बार से कनेक्टेड है, तो हम ये देखिए M7 देखेंगे और A बार को देखेंगे, M7 देखेंगे और ये A बार को देखेंगे, तो M7 A बार, अब PMOS कनेक्शन में है, M7 PMOS कनेक्शन में हो, और PMOS में क्या होता है, 0 पर एक्टिव होता है, मतलब हाई आउटपुट होता है। तो हम क्या करेंगे, तो यू विल डू इट लाइक दिस, कि M7 कैसा हो जाएगा हमारा ऑफ, क्योंकि ए बार क्या है, 1, तो 1 पे ये ऑफ है, 1 पे ये ऑफ है, और फिर 0 पे ये ऑन हो जाएगा, 0 पे ये ऑन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पीमॉस कॉन्फ़िगरेशन में है। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन करना है, और ये अब आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो किसी भी एक का बता दे रहा हूँ मैं, जैसे ये वाला। तो अब देखिए जब M1 ऑफ है, M1 ऑफ है, M2 ऑन है, ठीक है, M3 ऑन है और M4 ऑफ है,
अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों पर्टिकुलर आउटपुट जो हैं, ये दोनों जो हमारे इनपुट्स हैं वो हमारे ऑन हैं और ये दोनों ऑफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं वाई आउट निकालूंगा तो वाई आउट मेरा वाई थ्री और इस तरीके से ट्रैवल करते हुए ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले देख ले रहे हैं, तो एम फाइव एम सिक्स एम सेवन एम एट, तो एम फाइव कैसा है ऑन है, एम फाइव ऑन है, एम सिक्स ऑफ है, एम सेवन भी ऑफ है और एम एट कैसा है हमारा ऑन है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो एम सेवन ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर एम एट भी हमारा ऑफ है तो कोई दिक्कत, एम एट हमारा ऑन है, लेकिन अगर एम एट ऑन है एम सिक्स तो ऑफ हो गया ना, तो इसलिए हमारा जो आउटपुट है वो ट्रैवल नहीं करेगा वाई आउट तक, मतलब ईडीडी से हमारा वाई आउट नहीं कनेक्शन होगा, तो इसलिए जो हमारा वाई आउट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, डायरेक्टली हमें ग्राउंड मिल जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने पहले वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, जीरो लिखा है। इस तरीके से आप सबके लिए एनालाइज करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये नीचे वाला भी हाई है ना, नीचे वाले से भी वाई आउट आ रहा है और ऊपर वाले से भी वाई आउट आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, या तो लॉजिक जीरो होगा या लॉजिक वन होगा, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन बाय टेबल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका हमेशा जो पहला स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा वाई वाला एक्सप्रेशन लिखना बार के टर्म्स में, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन है वो आपको निकालना है, उसके बाद सर्किट डायग्राम उसका बनाएंगे, सर्किट डायग्राम के बाद उस पर्टिकुलर टेबल की ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा था जिसमें कहा था कि इसमें ट्रुथ टेबल नहीं बनाने हैं, तो उसमें भी आप वो सॉरी उसमें ट्रुथ टेबल जो है मैंने आपसे कहा था बनाने के लिए, तो उसमें भी आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। बस वो उसमें इसलिए डिस्कस करा था क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा ईजी पड़ रहा था डिस्कस करने के लिए, और जनरली जो क्वेश्चन है वो इसी सेक्शन से आते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप वेरिफिकेशन बाय टेबल करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे और आपको जो है ये इंप्लीमेंटेशन बाय अ पर्टिकुलर गेट का जो है वो सीमोस से कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो 10 मार्क्स में एकेटिव में मोस्ट 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 प्रोबेबल क्वेश्चन है और कंफर्म क्वेश्चन इससे आता है यूनिट नंबर 5 में। अगर आपसे थ्योरी नहीं हो पा रही है यूनिट नंबर 5 में, तो एक मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको एक कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको पी रॉम पी एल ए और पी एल से डिस्कस करें, पी एल से इंप्लीमेंट करें। अब जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो स्टेप्स आप फॉलो करते चले जाइए, आपका बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर एक भी स्टेप छूटा तो यहाँ पे आपके 10 मार्क्स में से मार्क जो है वो कटेंगे, ठीक है। तो जिस स्टेप से हम चल रहे हैं उसी स्टेप को बताऊंगा और ध्यान से 10 मिनट की, मतलब ये जो है पर्टिकुलर सेक्शन होगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा पीरम पी एल ए और पी एल ए, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लूँ। तो इसमें जो भी बोल रहा हूँ उस पर पूरा फोकस रखना, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर चीज़ बोल रहा हूँ तो वो आपको छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बुलियन फंक्शन यूजिंग पीरोम एंड पी एल एंड पी एल। अब देखिए बुलियन फंक्शन को पीरोम से इंप्लीमेंट करने के लिए, अब पीरोम क्या है, ये सारे हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइसेज हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, पी एल डीज हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइसेज, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में काम आते हैं। पहला इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। दूसरी बात, पीरोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारा और गेट प्रोग्रामेबल होता है। इसको याद करने की ट्रिक जो है वो ये है कि आर ओ जो है हमारा आर ओ आ रहा है, मतलब इसको उल्टा कर दो और, तो इसमें और गेट जो है वो प्रोग्रामेबल है। पी एल ए में, सिर्फ पी एल ए में हमारा प्रोग्रामेबल लॉजिक एंड है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो दोनों जो हमारे गेट्स हैं लाइक एंड और दोनों ही प्रोग्रामेबल हैं। और अगर मैं पी ए एल की बात करूँ तो पी ए एल में सिर्फ और सिर्फ एंड गेट ही प्रोग्रामेबल है, एंड बीच में आ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एंड गेट प्रोग्रामेबल है, और इसमें बीच में आया तो और हमारा प्रोग्रामेबल है, लेकिन इसमें ये जो ए है वो बाद में आया। तो सिंपली याद कर सकते हो कि इसमें हमारा जो दोनों लॉजिक गेट जो है वो हमारे प्रोग्रामेबल, दैट इज और एंड। बस अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करना। अब डायरेक्टली कभी कभी बुलियन फंक्शन दे दिया जाएगा, डायरेक्टली आपसे कभी कभी दे दिया जाएगा इंप्लीमेंट फुल एडर यूजिंग पी रॉम। अब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहना इस, क्योंकि अगर इसमें मिस हुआ तो वो छूट जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें पता है फुल एडर में क्या होता है, दो आउटपुट आते हैं समर कैरी, तो हमने डायरेक्टली टेबल बना दी तीन इनपुट्स के साथ ए बी सी, तो जीरो 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 पे सम जीरो है, कैरी जीरो है। अब ये टेबल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सिंपल टेबल है, सेकंड यूनिट में डिस्कस करी हुई फुल एडर की टेबल कैसे बनती है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना। बाकी इसमें सिंपल है, ऐसे कुछ भी टिपिकल नहीं है। 001 का सम कितना हुआ, 1, कैरी 0 हो गई। एक दो और समझा दे रहा हूँ, जैसे कि लास्ट वाला देखो तो 1 1 पे सम कितना आता है 0 और कैरी कितनी आती है 1, तो 1 आ गई। और 111 पे सम आता है 1 और कैरी भी 1 आती है, क्लियर है। अब जब सम के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा तो सिग्मा एम में लिखूंगा, कहाँ कहाँ पे हाई है ये, इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या है 1, इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या है 2, इसके बाद कहाँ पे हाई है यहाँ पे हाई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर 4 और इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर 7। तो इस तरीके से मैंने 1247 लिख दिया। इसी तरीके से मैं कैरी के लिए भी जहाँ जहाँ पे हाई होगा उसके लिए मैं लिख दूंगा, जैसे इधर हाई है तो ये किसके लिए हो गया 3 के लिए, ये किसके लिए हो गया 5 के लिए, ये 6 के लिए और ये 7 के लिए, क्लियर है। तो 3567 लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो या तो इस तरीके से दिया गया होगा कि आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड जो है आपको कॉम्बिनेशन सर्किट दे दी हुई होगी उसको आपको इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि फुल एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया होगा। अदरवाइज दूसरा जो क्वेश्चन दिया जाता है वो डायरेक्टली ऐसे दिया जाता है, इंप्लीमेंट बुलियन फंक्शन यूजिंग पीरोम पी एल ए एंड पी एल, और डायरेक्टली ये दो इक्वेशन दे दी जाएंगी इस तरीके से वाई वन वाई टू इस तरीके से, और कह दिया जाएगा सिग्मा एम इस तरीके से दे दिया गया, अब आपको इसे इंप्लीमेंट करना है। तो एक स्टेप अगर आपको ये दिया है तो और आसान हो गया, आपको ये टेबल नहीं बनानी है। अगर ये नहीं दिया है तो पहले टेबल बनानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सर्किट की, उसके बाद इस फंक्शन में आना पड़ेगा। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास बुलियन फंक्शन आ गया, दैट इज सिग्मा वाला जो हमारा फॉर्म है वो आ गया, दैट इज एसओपी। अब अगर इतना पार्ट क्लियर हो गया तो एक चीज और समझिए, इसमें हमारे पास तीन इनपुट हैं,
तीन इनपुट हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास पिंस कहाँ तक हैं, 1, 2, 4, 7 तक, पिंस 8 तक जा रही हैं। तो हम 3x8 डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर पहला इंप्लीमेंटेशन जो हम इसमें सीखेंगे वो पीरॉम से सीखेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है या टेबल दी हुई है तो पहले टेबल से आपको इसमें जाना है, और अगर ये दिया हुआ है तो कोई सिंपल है, इसके बाद आपको सीधे मैं पीरॉम से इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। तो पीरॉम में इंप्लीमेंटेशन में हम हमेशा जनरली जो है वो 3x8 डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके बाद भी कोई इनपुट्स होते हैं, जैसे अगर 8, 10, 15 तक होता तो मैं 4x16 डिकोडर का इस्तेमाल करता। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि उसमें 16 इनपुट्स आउटपुट्स होंगे और 4 जो है वो इनपुट्स हो जाएंगे। क्लियर है? हमेशा डिकोडर का ही जनरली आप इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अब देख, बस ये नंबर याद रखिएगा कि 1, 2, 4, 7 पे मैंने क्या करा है, सम, और कैरी को इम्प्लीमेंट करा है 3, 5, 6, 7 पे। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन बाय पीरॉम में क्या है, हमारे पास 3x8 डिकोडर है, 3 इनपुट्स हो गए हैं और जो आउटपुट्स आए हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने इसमें पिंस लगा दी हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे हमने सबसे एक आउटपुट लिया, सारी लाइन से एक आउटपुट के लिए बना दी। अब सम में जो है वो हमारे पास क्या जाना है, 1, 2, 4, 7, तो 1 पे क्रॉस करा, 2 पे क्रॉस करा, 4 पे क्रॉस करा, 7 पे क्रॉस करा। ध्यान रखना है इसमें अलग अलग लाइंस नहीं निकालनी होती है, एक ही लाइन पे क्रॉस करना होता है, और यहाँ पे जो क्रॉस होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्यूजेस जितने भी आपके इंटैक्ट होंगे उसमें। क्लियर है? तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो क्रॉस है वो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्यूज जो है वो इसमें इंटैक्ट है, दैट मींस ये वाली जो पोजीशन है उनमें हमने हाई कर रखा है और ये हमारा डायरेक्टली जो है वो और गेट पे फेड हुआ है, और हमेशा और गेट पे फेड करेंगे सम वाले को। क्लियर है? सम वाले के लिए और यही कैरी वाले के लिए भी करेंगे अगर आप पीरॉम से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो पहला स्टेप, कभी भी पीरॉम से इंप्लीमेंटेशन आता है तो पहले आपको उसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। एक्सप्रेशन मीन जो फंक्शन है हमारे पास आया सिग्मा वाला। क्लियर है? और जब वो आ गया, अगर टेबल दी हुई है तो बहुत आसान है, मतलब सॉरी टेबल नहीं दी हुई है तब आप क्या करेंगे, अगर टेबल नहीं दी हुई है तो जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन सर्किट है, मान लीजिए फुल एडर है, तो आप उसकी पर्टिकुलर सर्किट बनाएंगे, और सर्किट बनाने के बाद आप उसका जो सॉरी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आप उसका पर्टिकुलर क्या डराइव करेंगे, उसका जो है सिग्मा वाला एक्सप्रेशन डराइव करेंगे। क्लियर हो गया? बस इतना काम जब आपने कर लिया उसके बाद आप पीरॉम से इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो सिंपली डिकोडर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली लाइंस को इंटैक्ट करके और जो है फ्यूज लगा के और उसमें जो है हम डायरेक्टली समर कैरी का एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ तक तो हो गया, अगर हम इसे डिवाइड करें तो मैक्सिमम 3 मार्क्स में आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, 3, 3.5 कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, 3 बोल सकते हैं। अब आता है इंप्लीमेंटेशन बाय PLA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये और समझिए, और उसके बाद PLA। अब देखिए PLA के लिए क्या करना होगा, ध्यान रखना है कि अगर PLA में अगर आपके पास सिग्मा का एक्सप्रेशन है तब आपको एक काम करना पड़ेगा, सबके लिए के मैप बनाना पड़ेगा। जैसे समर कैरी था इसमें, तो समर कैरी के लिए आपको के मैप बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एग्जाम में आपके पास y1 y2 y3 तीन एक्सप्रेशन है, तो उन तीनों के लिए आप के मैप बनाइएगा, ठीक है। आप के मैप जब बनेगा तो समर कैरी के लिए जहाँ जहाँ पे हाई है तो वो आप के मैप बनाएंगे। ABC हमारे इनपुट्स थे, 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा, और 3 वेरिएबल का के मैप है तो हमारे पास उन पर्टिकुलर पोजीशन पे हम हाई कर देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे 1। अब जैसे ये 001 ये हमारा हाई हो गया, अब 0 अभी कौन सी पोजीशन हो गई, 001 ये भी हमारा हाई हो गया, यहाँ पे ये 100 पे हाई हो गया, यहाँ पे 111 पे हाई हो गया, जो मैंने उस टेबल से दिखाया, ठीक है, उस टेबल को देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, या सिंपली ऐसे भी देख सकते हो कि 1 पोजीशन पे हाई है तो 1 की इक्विवेलेंट बाइनरी क्या हो गया, दैट 001 हो गया, ठीक है, इस तरीके से हाई कर दिया। यही आप सी के लिए भी करेंगे, कैरी के लिए भी करेंगे। इसके बाद इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, इसका एक्सप्रेशन यहाँ से आपने निकाल दिया और इसका भी एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल दिया। तो इंप्लीमेंटेशन बाय PLA में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका काम सम जो आपका सिग्मा वाला एक्सप्रेशन है उससे नहीं होने वाला, और ना ही टेबल से होने वाला है, आपका काम उसके के मैप से होने वाला है। तो कभी भी आपको सिग्मा दिया है या डायरेक्टली कॉम्बिनेशन सर्किट दी है, तो अगर कॉम्बिनेशन दी है तो पहले क्या निकालेंगे आप, उसकी टेबल निकालेंगे, टेबल के बाद उसका जो है आप जो सिग्मा वाला एक्सप्रेशन है वो आप निकालेंगे, और सिग्मा वाला एक्सप्रेशन निकालने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका जो सम और कैरी के आउटपुट्स हैं उनका जो के मैप है वो आप निकालेंगे। जैसे सम और कैरी है तो इसका आउटपुट निकाला, वाई वन वाई टू है तो वो निकालेंगे, ठीक है। जब ये निकाल दिया, अब इसके बाद आपका काम आएगा इंप्लीमेंटेशन बाय PLA में। तो PLA में क्या बनेगा, अब देखिए मैंने क्या करा है, ABC इसमें 3 इनपुट है, तो मैंने ABC के ऊपर एक A के ऊपर एक नॉट गेट लगाया, इधर भी इन्वर्टर गेट लगाया, इन्वर्टर गेट इसके इधर एक बबल लगा दिया है, और बबल से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर दी। सिमिलरली एक सिंपल वाले में ड्रॉ करी है, एक सिंपल वाले में और एक डबल वाले में, जो सिंपली ये दिखा रहा है कि A को मैंने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक में वो सिंगल जो है एक आउटपुट देगा और एक में वो क्या आउटपुट देगा, यहाँ से क्या आउटपुट आएगा, A बार आउटपुट आएगा। सिमिलरली इधर से B और इधर से B बार। क्लियर है? इतना बस आपको याद रखना है। बाकी अब इसमें क्या बताया मैंने, PLA में दोनों गेट प्रोग्रामेबल होते हैं, तो कभी भी मैं क्रॉस जिस पर्टिकुलर गेट पे कर रहा हूं तो वो मेरा सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला गेट मेरा प्रोग्रामेबल है। कि अगर आप देखें तो पीरॉम वाले में मेरा जो ये और गेट है और गेट के ऊपर सारे क्रॉस इस तरीके से रिप्रेजेंट है, तो ये सिंपली डिनोट कर रहा है कि जो मेरा सम वाला एक्सप्रेशन है उसमें जो और गेट लगा हुआ है वो क्या है, मेरा वो प्रोग्रामेबल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, PLA में दोनों प्रोग्रामेबल होंगे तो हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि मैंने ये नॉट गेट लगा दिया, अब इससे लाइंस ड्रॉ करनी है, अब सीधे एक लाइंस ड्रॉ करनी, इससे हमने इसको एंड को इंप्लीमेंट करना है। तो पहले ए बार बी बार सी आया, तो ए बार बी बार सी में ए बार को क्रॉस करा, बी बार को क्रॉस करा, सी को क्रॉस कर दिया और ये एंड में चला गया। क्लियर है? इसके आगे एक आउटपुट बनाया, सिमिलरली ए बार बी सी बार, सिमिलरली ये पूरा काम करेंगे, ठीक है। एक और समझ लीजिए, मान लीजिए ये वाला है तो इसमें क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये एंड एंड की हमें पहले परफॉर्म करना है ना, उसके बाद एडिशन होगा, ठीक है। यही आपको
भी करेंगे, ठीक है। तो अब ए बार बी बार सी में पहले ए बार को क्रॉस करा, फिर बी को क्रॉस करा, फिर सी बार को क्रॉस करा, तो सी बार क्रॉस हो गया क्योंकि इधर से सी बार आ रहा है, इधर से बी बार आ रहा है, इधर से ए बार आ रहा है, और इधर से सिंपली ए, सिंपली बी एंड सिंपली सी, क्लियर है। इसका आउटपुट आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसके बाद जब आप सब सारी लाइन ड्रॉ कर देंगे, अब इधर से भी एक लाइन बनेगी, इधर से भी एक लाइन बनेगी, और ये और गेट बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही हमारे प्रोग्रामेबल हैं एंड और, ठीक है। अब देखिए अब दोनों प्रोग्रामेबल हैं, अब देखिए क्या होगा, अब इसमें कौन सी टर्म है, पहले वाले में सम वाले में ये दो, एक दो तीन चार फोर टर्म्स हैं, तो ये वन टू थ्री फोर, अब इनके जो आउटपुट्स हैं उन्हें आपको क्रॉस कर देना है, तो यही इनकी जरूरत है, तो वन टू थ्री फोर ये सारे हमारे क्रॉस हो गए और बाकी पे कोई क्रॉस नहीं लगेगा, ये हमारा सम का एक्सप्रेशन आ गया। और बाकी कैरी वाले में क्या है, ये तीनों एक्सप्रेशन है हमारे, ये तीनों एक्सप्रेशन है, तो इन तीनों के एक्सप्रेशन के जो आउटपुट आ रहे हैं हमने उधर क्रॉस कर दिया, और सिंपली जो है हमारा ये कैरी का इंप्लीमेंट हो गया फंक्शन। आई होप आपको इतनी पार्ट क्लियर हो गया होगा, ये हो गया इंप्लीमेंटेशन बाय PLA, क्लियर है। तो PLA में क्या करना पड़ेगा, आपको केमैप बनाना पड़ेगा, और फिर आप उसका जो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो निकालेंगे बुलियन एक्सप्रेशन, और फिर उसे लॉजिक डायग्राम से इंप्लीमेंट करेंगे। ध्यान ही रखना है कि अगर आपको इसमें सिग्मा वाला एक्सप्रेशन दिया है तो उससे काम नहीं बनने वाला, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसके एक्सप्रेशन में आना पड़ेगा। लेकिन अब मान लीजिए एग्जाम में डायरेक्टली आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन से डायरेक्टली निकालने के लिए, एक्सप्रेशन से डायरेक्टली निकालने के लिए तब तो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली आप ही लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। बट इन केस अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे कह दिया गया आप इसे पीरॉम से इंप्लीमेंट करिए, तो मैंने बता रखा है कि अगर सम और कैरी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इससे आप अगर केमैप बनाओगे ना भाई, पहले तो इससे केमैप नहीं बनेगा क्योंकि डायरेक्टली ये तो स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में है एबीसी इनपुट्स में, लेकिन ये स्टैंडर्ड में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा ए प्लस ए बार से, ये तो पता है ना, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, सिमिलरली इधर भी इधर भी, और इसके बाद इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका आप केमैप बनाएंगे, केमैप से फिर इसके 0, 1, 2, 3 में एक्सप्रेशन लिखेंगे जो सिग्मा में चले जाएगा, और सिग्मा के बाद ये पीरॉम में आप चला जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा पीरॉम का इंप्लीमेंटेशन, अगर आपको डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन दिए होते तब की बात बता रहा हूँ। तो सारा केस मैंने इसमें डिस्कस कर लिया है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आप पूरा फोकस रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कब, जब हमारे पास एक्सप्रेशन दिए होंगे तब आपको पीरॉम से इंप्लीमेंट करना होगा तब, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है डायरेक्टली, जनरली जो है केसेस में क्या होता है, या तो सिग्मा में दिया होगा एक्सप्रेशन, या आपसे डायरेक्टली वो ए बी बार सी बार इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। तो आप दोनों ही आपको मैंने बता दिया कि इस तरीके से होगा। अब थर्ड वाला भी सिंपल है, इसमें कैसे बनता है, इसमें आपको ये एक्सप्रेशन तो निकालने ही पड़ेंगे, ये केमैप तो बनाने ही पड़ेंगे, तीसरा स्टेप बस इसमें और करना पड़ता है, इसमें एक प्रोग्रामिंग टेबल बनानी पड़ती है पीएएल में, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग टेबल जब आप पीएएल में बनाएंगे तो इसमें एक प्रोडक्ट टर्म होती है, एक साइड में एंड इनपुट्स होंगे और एक साइड में आउटपुट्स होंगे। तो प्रोडक्ट टर्म से हम पहली टर्म क्या थी हमारी, जो सम से आ रही थी वो क्या आ रही थी, ए बार बी बार सी, ए बी सी बार, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। तो इस तरीके से आपको ये सारे इनपुट जो इसमें लिख देने हैं। अब एंड इनपुट्स में आप ए बी सी लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे। अब देखिए ए बार बी बार सी में, अब ध्यान से देखिएगा कि ए बार बी बार सी में जहाँ जहाँ पे ये ए बार है वहाँ पे जीरो लिखेंगे, ए होता तो वन लिखते, क्लियर है। जैसे ए बार में जीरो, बी बार में जीरो लिखा, और सी में क्या है हमारे पास सी, सी और सी बराबर है तो वन लिख दिया, क्लियर है। जब नहीं है तो जीरो लिख दिया। अब देखो ए बी सी बार में ए बार पे जीरो लिखेंगे, बी पे क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे, और सी बार पे जीरो लिख दिया, क्लियर है, क्योंकि बी और बी एक साथ हो गए, सेम हो गए, तो हमने वन लिख दिया, क्लियर है। इसी तरीके से सबके लिए लिखेंगे आप बी सी ए बी, और इससे जो आउटपुट बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, सम इक्वल्स टू ए बार बी बार सी, इस वाला एक्सप्रेशन, फिर ये वाला एक्सप्रेशन, फिर ये वाला एक्सप्रेशन, और फिर ये वाला एक्सप्रेशन, ये सम का आ गया, और सिमिलरली ये हमारा कैरी का एक्सप्रेशन आ गया, क्लियर है। बस इसमें मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, ए बी पहले लिख दिया, ए सी बाद में लिख दिया, बी सी बाद में लिख दिया, बात कोई फर्क नहीं है, आप किसी को भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये इंप्लीमेंटेशन बाय पीएएल क्लियर हो गया, जिसमें प्रोग्रामिंग टेबल बनेगी। अब इसके बाद इसका लॉजिक डायग्राम और बना दीजिएगा। बस लॉजिक डायग्राम में ये ध्यान रखना कि पीएएल में एंड गेट प्रोग्रामेबल होता है और गेट प्रोग्रामेबल नहीं होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एंड को प्रोग्रामेबल करेंगे। अब देखिए कैसे करा है, तो इसमें देखिए मैंने लॉजिक डायग्राम में ए बी सी करा है, और इसके साथ मैंने क्या फेड करा है, डायरेक्टली इसमें जो है इनपुट्स मैंने फेड करे, मतलब जो गेट लगाया वो लगाया, इन्वर्टर गेट लगाया जैसे उसमें लगाया था, डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ करी, फिर इधर से एक लाइन, इधर से लाइन, फिर ये बार की लाइन, फिर इधर लाइन, फिर इधर की बार की लाइन, क्लियर है, सी बार की लाइन। अब ए बार बी बार सी है तो डायरेक्टली वही करा है जैसे हम एंडिंग कर रहे थे, वो सारा एंडिंग वाला सेम चलेगा। बस ध्यान ही रखना है इसके बाद आपको डायरेक्टली इसके आउटपुट्स इस तरीके से नहीं लेने थे जैसे उधर हम लाइन में ले रहे थे, क्योंकि और गेट प्रोग्रामेबल नहीं है, तो हमें क्रॉस नहीं लगाने हैं। जहाँ जहाँ क्रॉस लगा वो सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वाला पर्टिकुलर जो गेट है वो प्रोग्रामेबल है, और हम उस पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली सिर्फ एंड गेट को प्रोग्रामेबल करना, तो हमने वो कर दिया, बाकी को और में डायरेक्टली फेड कर दो, तो डायरेक्टली और में हमने फेड कर दिया। तो ये हमारा हो गया इंप्लीमेंटेशन बाय पीएएल, PAL। तो PAL में ध्यान रखना है कि पहले केमैप बनेंगे अगर आपको सिग्मा वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और अगर ए बी बार सी वाला दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और लॉजिक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा के बाद केमैप, और केमैप के बाद आप प्रोग्रामिंग टेबल बनेगा, प्रोग्रामिंग टेबल इसमें मस्ट है, ठीक है, उसके बाद जो है हमारा फिर ये लॉजिक डायग्राम बन जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का एक ट्यू वाला क्लियर हो गया होगा, मोस्ट चांसेस रहते हैं कि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है मेमोरी, और मेमोरी कुछ नहीं है, हमारे मेमोरी डिवाइसेज होते हैं जो रजिस्टर के बने होते हैं, ठीक है। रजिस्टर हमारा क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, जो हमारा जनरली किसी भी पर्टिकुलर लॉजिक यूनिट को जो है हमारा डेटा प्रोवाइड करने में काम आता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पहले भी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में,
ठीक है, अपनी थर्ड यूनिट में। बाकी तो कुछ नहीं, मेमोरी में हमारा सब थ्योरी पार्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बस, बाकी स्किप कर दूंगा क्योंकि ये सब थ्योरी वाला पार्ट है, इसे आप मेरे नोट्स सेक्शन से देख लेना ठीक है, और वहाँ से इसको पढ़ लेना। मेमोरी मेमोरी लेकिन पढ़ के जरूर जाइए क्योंकि 5 मार्क्स में जब थ्योरी आती है तो वो जनरली इस पर्टिकुलर पार्ट से पूछी जाती है, और जो मैंने इसी वीडियो में डिस्कस करा TTL NAND गेट और ये सब लॉजिक वॉजिक्स जो ECL वाले डिस्कस करें वो भी पूछ जाते हैं ठीक है। तो मेमोरी/मेमोरी वाले में हमें क्या करना है, ये पूरा पर्टिकुलर पार्ट लिख दीजिएगा। मेमोरी हमारा क्या होता है, मेड अप रजिस्टर होता है, जो मैंने भी बताया, हर रजिस्टर में एक मेमोरी होता है, वन स्टोरेज मेमोरी लोकेशन होता है जिसे हम एक एड्रेस आइडेंटिफाई करते हैं। ईच लोकेशन कैन एकोमोडेट और मोर बिट, जनरली द टोटल नंबर ऑफ बिट्स दैट आर मेमोरी कैन स्टोर इज इट्स कैपेसिटी। क्लियर है, इस तरीके से आप जो है थ्योरी को लिख सकते हैं, समझ में भी आ रही है आपको, बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। फिर क्लासिफिकेशन पूछा गया है ये 5 मार्क्स में एक पर एक टीम में, ये क्लासिफिकेशन करिए सेमीकंडक्टर मेमोरीज का, तो इस तरीके से हमारा जो है क्लासिफिकेशन हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी में और रीड ओनली मेमोरी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी डिवाइड है डायनेमिक रोम में और स्टैटिक हमारी डिवाइड, वो डायनेमिक रैम में डिवाइड है और स्टैटिक रैम में डिवाइड है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर मैं बात करूँ रोम की तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है, मास्केबल प्रोग्रामेबल रोम ठीक है, मास्केबल रोम है ये ठीक है, मास्केबल रोम है, यहाँ पे मास्केबल रोम कर दीजिएगा इसको ठीक है, और ये हमारा प्रोग्रामेबल रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है और फ्लैश मेमोरी है ठीक है। ये कुछ डिवाइसेस हैं मेनली जो है वो 4 वाले पार्ट्स हैं ठीक है। इसके बाद मैंने रैम को डिस्कस करा हुआ है, इस रैम को आप देख लेना ठीक है, सिंपल है, बस एक बार पढ़ना है आपको सब समझ में आना। इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है कि रैम से आपको रैम के बारे में पूछा जाता है, और एक बार ये 2 मार्क्स में SRAM और DRAM के बीच में डिफरेंस भी आया हुआ है ठीक है, और ये एक बार 10 मार्क्स KKTU में लग के साथ में भी आया हुआ है, तो वो 5 मार्क्स का हो गया, तो ऐसे इसका वेटेज जो है वो चेंज हो गया है। ताकि अगर आपके पास पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो वो 5 मार्क्स में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, तो वो आप इससे रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद आते हैं हम सीधे रोम के ऊपर, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब रोम वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, इट इज़ अ मेमोरी डिवाइस विच स्टोर द बाइनरी इन्फॉर्मेशन। अब रोम क्या करता है, हमारा मेमोरी डिवाइस होता है जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है परमानेंटली। बस इसमें जो मुझे आपको दिखाना है वो ये है, ये वाला लॉजिक डायग्राम, ये हमारा रोम का ब्लॉक डायग्राम है ठीक है, रोम का ब्लॉक डायग्राम है, बाकी थ्योरी आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। इसमें हमारे पास के इनपुट्स होते हैं, के इनपुट्स हमारा एड्रेस लाइंस होती हैं, और इनको हम 2k/k×n रोम हमारे पास बीच में लगी होती है जो n आउटपुट हमें देती है या डेटा देती है। क्लियर हो गया, ध्यान रखना है कि इसका फॉर्म 2k×k×n होता है, जहाँ पे k जो है वो इनपुट्स हैं जिन्हें हम एड्रेस बोल रहे हैं। क्लियर हो गया, बस इतना ही याद रखो, आगे हम क्योंकि एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उसमें ये काम आएगा। देन वी हैव द लॉजिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 10 मार्क्स में KKTU में पूछा गया है एक बार कि लॉजिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम को बताइए। तो सबसे पहला है हमारा द फिगर 1 डिपिक्ट्स द लॉजिक कंस्ट्रक्शन ऑफ 32×4 रोम। एक फिगर मैंने भी नीचे बनाया हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले समझ लेते हैं कि रोम इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद एंड गेट। रोम वाली कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता है, हमारे पास एंड गेट होते हैं जो किसी डिकोडर से कनेक्टेड होते हैं ठीक है, एंड नंबर ऑफ और गेट्स होते हैं ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटपुट ऑफ द आउटपुट इन द यूनिट ठीक है। तो जनरली जो हम इसमें देखेंगे वो क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हमारे जो और गेट्स हैं वो हमारे इस पर्टिकुलर डिकोडर के साथ कनेक्टेड होंगे ठीक है। अब द 5 इनपुट वेरिएबल आर डिकोडेड इनटू 32 लाइंस। अब जैसे कि मैंने इसमें एक 5×32 डिकोडर लगाया हुआ है, ABCDE इनपुट्स हैं और इसके आउटपुट्स आ रहे हैं 31 तक, दैट इज 0 से लेकर 31 कितना हो गया काउंट, 32 आउटपुट्स आ गए। वही लिखा हुआ है कि द 5 इनपुट वेरिएबल आर डिकोडेड इनटू 32 लाइंस बाय यूज ऑफ 32 एंड गेट्स ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अंदर जो इंटरनल सर्किट है मेरी डिकोडर की उसमें मैंने एंड गेट का इस्तेमाल करा हुआ है, जो मैंने डायग्राम में नहीं दिखाया है। क्लियर है, तो बस ये लिख के आना है आपको कि 32 एंड गेट्स एंड 5 NOT गेट का इस्तेमाल करा गया है। क्लियर है, द आउटपुट ऑफ द ईच डिकोडर इलस्ट्रेट द वन ऑफ द मिन टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑफ 5 वेरिएबल ठीक है। एक मिन टर्म को दिखाएगी भाई, सम ऑफ मिन टर्म्स ही तो दिखाएगी आपकी SOP वाली फॉर्म, क्योंकि मैं और में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, और क्या होता है सिग्मा वाला एक्सप्रेशन। क्लियर है, अब फोर्थ में अगर हम देखेंगे तो ईच वन ऑफ द 32 एड्रेस सिलेक्ट वन ओनली वन ऑफ द, तो 32 एड्रेस जो है किसी भी एक रजिस्टर को सिलेक्ट करेगा, अपना आउटपुट देगा विच इज कनेक्टेड टू द लाइन ऑफ ईच और गेट। क्लियर है, नाउ रोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट इन द डिजाइन ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। बस इतना ही आपको लिख देना है, जब लॉजिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम आता है, बाकी ये डायग्राम बना देंगे, थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर देना है जैसे मैंने एक्सप्लेन करा ठीक है। इस तरीके से डैश लाइन है, मतलब बीच में भी हमारे जो है इनपुट्स आ रहे होंगे और वो सब हमारे जो है वो इससे कनेक्टेड हैं ठीक है। ये F1, F2, F3, F4 हमारा जो है आउटपुट आ गया है। क्लियर है, और इस तरीके से हमारा जो है ये फिगर नंबर 1 है, और ये हमारा जो है पूरा 5×32 डिकोडर जो हमने दिखाया है 32×4 लॉजिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम से, क्योंकि ये 32×4 क्या दिखा रहा है कि 32 हमने जो है आउटपुट्स लिए थे उसको हमने 4 आउटपुट में जो है वो फेड कर दिया। क्लियर है, मतलब 4 आउटपुट्स हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, 1, F2, F3, F4 32×4, और उसके लिए हमने इस्तेमाल क्या करा है 5×32 डिकोडर का हमने यूज़ करा है। क्लियर है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा आता है इसमें 2 मार्क्स में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा गया है कि सर्टेन मेमोरी नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर बट इट आल्सो आस्क इन योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में भी पूछा जाता है ठीक है। तो एक सर्टेन मेमोरी है जिसकी कैपेसिटी 4k×8 है, हाउ मेनी डेटा इनपुट एंड आउटपुट लाइन डज इट हैव। तो इसमें आपसे डेटा इनपुट लाइन और डेटा आउटपुट लाइन सबसे पूछी है, तो ध्यान रखिएगा जो भी क्रॉस के बाद वाली क्वांटिटी है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आउटपुट के नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, आउटपुट की लाइन्स को या इनपुट की लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है।
क्लियर है, बस इतना ही याद रखना है। पहला काम कि क्रॉस के बाद जो भी क्वांटिटी है वो किस को रिप्रेजेंट कर रही है, इनपुट लाइन और डेटा आउटपुट लाइन को। तो इस तरीके से हमने लिख दिया डेटा इनपुट लाइन इक्वल टू 8 एंड डेटा आउटपुट लाइन इक्वल टू 8। नाउ नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, तो मैंने कहा था 2 की पावर k में जाना पड़ता है, 2 की पावर k क्रॉस n। तो n क्या थी, हमारे आउटपुट लाइन थी, तो वही मैं लिख दिया 8 लाइन 8 आउटपुट लाइन और 8 इनपुट लाइन। बस फर्क क्या है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2 की पावर k, तो k जो है वो एड्रेस लाइन को दिखाएगा। तो 4k, जब मैं 4 into k करूंगा तो k की वैल्यू होती है 2 की पावर 10। ये मैंने लिख रखा है 1k = 2 की पावर 10, 1m = 2 की पावर 20, 1g = 2 की पावर 30 और 1tb = 2 की पावर 40। तो ये आपको कन्वेंशन जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब 4k है तो 4 into 2 की पावर 10, दैट इज ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 10, दैट इज इंटू 2 की पावर 10। हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी मैथमेटिक्स की, तो 10 + 2 हो जाएगा दैट इज 12, तो 12 आ जाएगा 2 की पावर 12। और 12 क्या हो जाएगा, 2 की पावर k के फॉर्मेट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज k = 12 आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे इक्वल बेस हमारे जो है इक्वल है, तो हमारे एक्सपोनेंट की डिग्री पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो k क्या आ गया हमारा 12 के बराबर आ गया। अब k के बराबर अगर 12 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी एड्रेस लाइन्स है वो कितनी होगी, हमारी 12 हो गई, क्योंकि 2 की पावर k में मैंने क्या बोला था, k इनपुट्स हैं या k एड्रेस लाइन्स हैं, ठीक है। तो 12 हमारी एड्रेस लाइन्स हो गई। और कैपेसिटी निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, जो ये मेरे पास 4 के लिखा हुआ है ना, इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख दो, मतलब 2 की पावर 10 को अगर आप पूरा खोलोगे तो इट इज 1024, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो जो आंसर आने वाला है वो आपका 4096 बाइट्स में आएगा, एंड दैट इज द कैपेसिटी इन बाइट्स। क्लियर है, तो कैपेसिटी क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एड्रेस इनपुट लाइन आउटपुट लाइन क्लियर हो गया, एड्रेस लाइन्स क्लियर हो गई, ठीक है। बस यहाँ पे हमने सिंपल बेस की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करा है मैथ्स की और सिंपली इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास PLD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारा 5 मार्क्स में एक्चुअली अटैच होकर आता है अगर कोई भी आया यूनिट नंबर 5 से तब, ठीक है। तो इस तरीके से PLD को अगर हम समझें तो PLD क्या होते हैं, हमारा कोई भी एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा PLDs के, ठीक है। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस जो हमने देखे, PROM, PEL और PLA, ठीक है। तो PROM क्या होता है, PROM हमारा एक कॉम्बिनेशन प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होता है, PLD एन इंटीग्रेटेड सर्किट विद प्रोग्रामेबल गेट्स डिवाइडेड इनटू एन एंड एरे, एक एंड की एरे होती है और की एरे होती है, जिसमें ध्यान रखना है कि एंड और जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट के इंप्लीमेंटेशन में जो हमारा काम आता है। सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो PROM जो है हमारा एक फिक्स्ड एंड एरे को इस्तेमाल करता है, जिसमें भी हमारा एक डिकोडर इस्तेमाल होता है जो हमने देखा भी था उधर, ठीक है। एंड एंड प्रोग्रामेबल और एरे, ठीक है। द प्रोग्रामेबल और एरे और गेट्स इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन इन सम ऑफ मेन टर्म्स फॉर्म, क्लियर है। अब अगर हम थर्ड वाली उसमें देखें तो थर्ड वाले फिगर, मैंने इसका फिगर बना दिया, तो हमने एक इनपुट लिए है, फिक्स्ड एंड एरे लिया है, दैट इज डिकोडर लिया है, इसका आउटपुट मैंने क्या दिया है, प्रोग्रामेबल और एरे में दिया है और आउटपुट दे दिए हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ अगर मैं देखूं तो फोर्थ में क्या है, द PL हैज अ प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड अ फिक्स्ड और एरे, द एंड गेट्स आर प्रोग्रामेबल टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट टर्म्स फॉर द बुलियन फंक्शन, ठीक है। अब PL की बात करें तो PL में क्या है, हमारा प्रोग्रामेबल एंड गेट है, तो प्रोग्रामेबल एंड एरे का इस्तेमाल करा है और एक फिक्स्ड और एरे ली है, तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड क्या है, एंड एरे, इसमें प्रोग्रामेबल और एरे है, क्लियर है। लेकिन PAL में हमारे पास प्रोग्रामेबल एंड है, तो मैंने प्रोग्रामेबल एंड कर दिया है और फिक्स्ड कर दिया है और एरे को, द एंड गेट्स आर प्रोग्रामेबल टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट टर्म फॉर द बुलियन फंक्शन विच आर लॉजिकली समड इन ईच और गेट, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट, और इसमें से भी जो हमारा बहुत फ्लेक्सिबल PLD वो है PLA, जिसमें से हम क्योंकि दोनों गेट्स हमारे जो है वो प्रोग्रामेबल हैं, एंड और एरे कैन बी प्रोग्राम्ड, द प्रोडक्ट टर्म्स इन एंड एरे मे बी शेयर्ड by any OR gate to provide the required sum of product implementation, ठीक है। जो product हम हमारी एंड एरे से आएंगी वो हम और एरे में क्या करेंगे, उन सबका सम कर देंगे, तो हमारा एंड और दोनों का हमारा जो है वो यूज़ हो गया, दोनों ही जो हमारे एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो है वो हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो PLA इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू PROM एंड PAL। नाउ बेसिक कन्फिग्रेशन या हाउ PLA इज प्रोग्राम्ड, जो पूछा जाता है बेसिक आर्किटेक्चर पूछा जाता है, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो PLA आर यूज टू मैप द इररेगुलर कॉम्बिनेशन फंक्शंस, ठीक है, इरेगुलर जो हमारे कॉम्बिनेशन फंक्शंस होते हैं ऑन टू और रेगुलर स्ट्रक्चर्स में काम आता है, ठीक है। PLA हमें प्रोवाइड करता है डिजाइनर विद अ सिस्टमैटिक एंड रेगुलर वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग द आउटपुट। अभी हमने देखा कि ये डिजाइनर को क्या प्रोवाइड कर रहा था, एक सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड कर रहा था कि पहले आप उसकी एंडिंग करो फिर आप उसकी ओरिंग करो, तो एक फिक्स्ड वे प्रोवाइड कर रहा है डिजाइनर को उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आउटपुट फंक्शंस को ऑफ एन वेरिएबल इन अ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में ही हम उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सेकंड है हमारे पास PLA इज वन ऑफ द रेगुलर मैक्रो यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, एक मैक्रो है जो यूज होता है प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन में ऑफ द FSM, दैट इज द फाइनाइट स्टेट मशीन। PLA functions may be significantly changed without requiring major changes of either the design or the layout. It is more compact in nature. Compact होते हैं, बहुत ज़्यादा डिजाइन और लेआउट मैंने चेंजेस नहीं चाहिए। एनी ऑफ द लॉजिकल फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ SOP और POS। तो कोई भी फंक्शन अगर हमारा SOP या POS में हम दोनों में उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास POS में होगा तो क्या होगा, सारी टर्म्स हमारी डॉट से कनेक्ट होंगी, दैट इज एंडिंग होगी सारी टर्म्स की और प्रोडक्ट ऑफ सम होगा। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पहले हम और गेट को लगाएंगे और उसके बाद उसके जो आउटपुट है हम एंड गेट में दे दें, तो ये हमारा दोनों फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड है PLA कैन बी इंप्लीमेंटेड इन सेवरल फॉर्म लाइक NOR, NAND, NOR, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग टेबल ऑफ PLA। अब प्रोग्रामिंग टेबल मैंने PLA में बताई नहीं थी, बट जनरली ये बनती नहीं, बस अगर पूछा जा रहा है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं हाउ PLA इज प्रोग्राम्ड। तो पहले तो ऊपर की पूरी थ्योरी लिखेंगे, दैट इज अ बेसिक आर्किटेक्चर, उसके बाद एक प्रोग्रामिंग टेबल ऑफ PLA की हेडिंग बनाएंगे। कि प्रोग्रामिंग टेबल ऑफ PLA में 3 सेक्शन होते हैं, जैसे उसमें थे द फर्स्ट सेक्शन लिस्ट द प्रोडक्ट टर्म्स न्यूमेरिकली, ठीक है, एंड द सेकंड सेक्शन स्पेसिफाइज द रिक्वायर्ड पाथ्स। तो पहले सेक्शन में क्या है, प्रोडक्ट टर्म है, और सेकंड सेक्शन में क्या है, सेकंड सेक्शन स्पेसिफाइज द रिक्वायर्ड पाथ्स बिटवीन द इनपुट एंड द एंड गेट।
थर्ड सेक्शन स्पेसिफाइज द पाथ बिटवीन द एंड गेट एंड द ऑर गेट, तो वो कुछ नहीं है बल्कि अगर ए बी सी बार जैसे मान लीजिए कोई भी एक एक्सप्रेशन ने ले लिया एफ वन एफ टू का, अब मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो देखिए होगा क्या कि अब जैसे अगर मैं इसके लिए देख रहा हूँ तो इसमें ए सी ए सी डबल टर्म कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा, अब जैसे ये वाला है ना मेरा एफ वन, तो एफ वन को ए बी बार, तो अब जैसे अगर मैं इस सारी टर्म्स मैंने इसमें लिख दी, ठीक है, जो कॉमन आ रही थी वो भी लिख दी, अब जैसे ए सी ए सी कॉमन था ए सी ए सी कॉमन लिख दिया एक ही बार लिखा, ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, अब ए बी बार सी बार इसमें देखिए कैसे करेंगे, तो ए बार बी सी बार में दिस विल बी जीरो, वन विल बी वन, सी विल बी जीरो, अगेन ए बी बार में ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो, दिस विल बी वन एंड बी बार विल बी जीरो, और जहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है दैट इज जैसे यहाँ पे सी नहीं है तो हमने उसे डैश बता दिया, ठीक है, डैश मार्क कर दिया, ये मैं उधर बताना भूल गया कि जो टर्म रहेगा उसे डैश से मार्क कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ए सी में, तो ए सी में सिर्फ ये है और ये है, बाकी बी नहीं है तो डैश मार्क कर दिया, बी सी में बी और सी है तो ये मार्क कर दिया, इसको डैश मार्क कर दिया, क्लियर है। अब एफ वन के लिए देखेंगे तो एफ वन में ये तीन टर्म्स आ रही हैं, तो इन तीन टर्म्स पे हम हाई करेंगे, तो दिस इज़ वन एंड दिस इज़ वन, बी सी कुछ नहीं है तो इधर हम डैश मार्क कर देंगे, ये हमारे मतलब की नहीं है, ठीक है, या हम इसे जीरो भी कर सकते हैं, क्लियर है, इसे जीरो लिखेंगे आप जनरली। अगर मैं एफ टू के लिए बात करूँ तो एफ टू के लिए देखिए सिर्फ ए सी और बी सी है, तो ए सी और बी सी को हम हाई कर देंगे, बाकी दोनों को जीरो कर देंगे, क्लियर है, ये हमारी हुई प्रोग्रामिंग टेबल ऑफ पी एल ए। अब साइज ऑफ पी एल ए एक और देखिए, ये छोटा सा टॉपिक है कि द साइज ऑफ द पी एल ए इज स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स एंड द नंबर ऑफ आउटपुट। टू मार्क्स में अगर पूछा हुआ है हाउ इज द साइज ऑफ पी एल ए डिटरमाइंड, द साइज ऑफ पी एल ए इज स्पेसिफाइड बाय द नंबर ऑफ द इनपुट्स, द नंबर ऑफ आउटपुट टर्म्स एंड द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट टर्म्स। अ टिपिकल इंटीग्रेटेड सर्किट पी एल ए मे हैव 16 इनपुट्स, 48 प्रोडक्ट टर्म्स एंड 8 आउटपुट्स। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ एस वी हैव कम्प्लीटेड दिस साइज ऑफ पी एल ए, नाउ एक क्वेश्चन इसमें जो मैंने आपको जैसे डिस्कस करा पी रॉम पी एल ए पी एल वाला, उसी में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आता है इसी टाइप में, जिसमें आपको सर्किट दी होंगी और कॉम्बिनेशन की कन्वर्ट करने वाला कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ 10 मार्क्स का, वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि डिजाइन अ 3 बिट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर यूजिंग पी एल ए एंड पी एल। अब ये बाइनरी टू ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये इसके बारे में मैंने डिटेल्ड अगर आप टेबल देखें तो डिटेल्ड जो टेबल है वो मैंने डिस्कस करी हुई है सेकंड यूनिट में, ये कॉम्बिनेशन सॉरी सेकंड कह रहा हूँ फर्स्ट यूनिट में जो है जिसमें हमने कोड कन्वर्टर को डिस्कस करा हुआ है वहाँ पे है ये, बाकी सिंपली अभी तो हम ये समझेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी इसकी। तो हमने बी वन बी टू बी थ्री ले लिया, जी वन जी टू जी थ्री ले लिया। अब देखिए बाइनरी से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी एक को कंसीडर कर लूँ, मान लीजिए 101 को मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है 101 को, फिर 100 पहले 100 को देखते हैं, तो 100 में पहली डिजिट ऐसी कैसी आ जाएगी, उसके बाद इन दोनों की जोरिंग हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1। इन दोनों की जोरिंग होगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और 0 की जोरिंग तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्लियर। तो इस तरीके से हमारी जो है इसकी टेबल बन गई, दैट इज़ 110। सिमिलरली आप इसमें सबके लिए इस तरीके से चेक करेंगे। अब एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपने इसको चेक करा 110 को, तो 110, तो 1 का 1 आ जाएगा, पहली बिट वैसी की वैसी, अब इन दोनों की जोरिंग हो गई तो 101 की जोरिंग 0, और अगेन इन दोनों की जोरिंग हो गई, दैट इज़ 10 की जोरिंग, दैट इज़ 1, क्लियर है। तो 101 देखिए इसमें भी आ गया, क्लियर है। इसी तरीके से आप सबके लिए चेक करेंगे और ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब पहला काम मैंने आपको क्या बताया, पी एल ए और पी ए एल से करना है, तो पी ए तो पहले हम किससे करेंगे, पहले हम कर देते हैं पी एल ए से और पी एल से बाद में कर देंगे, क्लियर है। तो पी एल ए से इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इसका लॉजिक एक्सप्रेशन चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, पहले ट्रुथ टेबल होगी तो उसके बाद आप के एम बनाएंगे, या आपके पास सम और कैरी का एक्सप्रेशन जैसे जी थ्री जी टू जी वन का एक्सप्रेशन है तो आप डायरेक्टली जी थ्री जी टू जी वन के एक्सप्रेशन लिखो सिग्मा की फॉर्म में, उसके बाद के एम बना दो, उसमें फिल कर दो। अदरवाइज अगर नहीं भी जरूरत है तो ट्रुथ टेबल डायरेक्टली आपके पास बनी हुई है, तो डायरेक्टली देख लो जी थ्री कहाँ कहाँ पे हाई है, 100 दैट इज 4 वाली पोजीशन को हाई कर देना, ठीक है। तो 100 पे हाई कर देती, जब जी थ्री के लिए बनाएंगे तो 100 को हाई कर दिया। सिमिलरली इसके बाद कहाँ पे आई है, 101 पे हाई, तो 101 पे हाई कर दिया। 1 कहाँ पे आई है, 110, तो 110 पे हाई कर दिया। ये 111 पे हाई है तो 111 पे हाई कर दिया। सिग्मा की फॉर्म में लिखते बात तब भी एक ही पड़ती, क्लियर है। इस तरीके से आप केमा बनाएंगे जी थ्री का, जी टू का, जी वन का, जहाँ जहाँ पे हाई होगी नंबर्स, क्लियर है। जहाँ जहाँ पे जी थ्री हाई है और जी टू हाई है और जी वन हाई है, हाई मीन्स 1 है, क्लियर है। इसके बाद इसके एक्सप्रेशन लिख देंगे, और एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्या करेंगे, हम इंप्लीमेंट कर देंगे इसे पी एल ए से। सिंपल इंप्लीमेंट करना है, कोई भी प्रोग्रामिंग टेबल नहीं बनेगी पी एल ए में। बस जो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस करा था प्रोग्रामिंग टेबल ऑफ पी एल ए में, तो उसमें वो सिंपली एक थ्योरी पार्ट था जो आपको अगर पूछा जाता है तो आप एक्सप्लेन करेंगे इंप्लीमेंटेशन बाय पी एल ए में। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अगर टाइम है तो आप इसकी पी एल ए टेबल भी बना दीजिएगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्लियर है। नाउ इंप्लीमेंटेशन बाय पी एल ए में आप क्या करेंगे, वही बी थ्री बी टू बी वन हमारे पास 3 इनपुट्स थे, हमने उनको लिया, एक गेट लगाया इन्वर्टर वाला और एक डायरेक्टली इनपुट ले लिया। पहला हमारा क्या है, जी थ्री से क्या आ रहा है, बी थ्री आ रहा है, तो हमने डायरेक्टली बी थ्री को दे दिया। अब देखिए बी थ्री मैंने डायरेक्टली दिया है, कोई भी एंड गेट नहीं लगाया है, इस पर ये ध्यान रखना, क्योंकि बी थ्री हमारा किसी भी एंड गेट से कनेक्ट नहीं, वो डायरेक्टली अब इधर गया और इसके बाद डायरेक्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है और डायरेक्टली मेरा क्रॉस से किया जा रहा है, डायरेक्टली ये मेरा जी थ्री इंप्लीमेंट हो गया। अब देखिए आगे क्या है, जी टू किससे हो रहा है, बी थ्री बी टू और बी थ्री बी टू बार से, तो बी थ्री बार बी टू और बी थ्री बी टू बार से डायरेक्टली हमने इसको दे दिया एंड गेट में, क्रॉस कर दिया उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को,
और हमने एंड गेट में फेड कर दिया। इसके बाद हमने डायरेक्टली लाइंस ड्रॉ करी हैं और ये G2 हमारा इंप्लीमेंट हो गया। सिमिलरली हमने G1 के साथ भी वही करा है जो हम पहले कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा इंप्लीमेंटेशन बाय PLA। अब PAL से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसकी क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये टर्म्स निकाली हैं इसको हम डायरेक्टली पहले प्रोग्रामिंग टेबल बनाएंगे और प्रोग्रामिंग टेबल के बाद क्या करेंगे, इसका लॉजिक डायग्राम बना देंगे। तो अब देखिए, जब मैं इंप्लीमेंटेशन बाय PAL कर रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग टेबल पहले PAL की बनेगी। तो प्रोडक्ट टर्म कितनी है, पहले पास पहले आएगी G3 के लिए, फिर G2 के लिए, फिर G1 के लिए। तो G3 के लिए देखिए, B3 हमारी प्रोडक्ट टर्म है, तो B3 लिखा, तो B3 को मैंने 1 कर दिया क्योंकि एंड इनपुट में कितने कॉलम बनेंगे, B3 B2 B1, इधर प्रोडक्ट टर्म इधर आउटपुट, तो 1 आ गया। B2 में कुछ नहीं है तो डैश आ गया, B1 में भी डैश आ जाएगा और G3 हमारा आउटपुट इंप्लीमेंट हो गया सर B3 से। ठीक है, G2 किससे हो रहा है, B3 B2 बार से और B3 बार B2 से। तो इधर B3 क्या है, 1 है और B2 बार है, मतलब 0 आ गया, इधर बाकी में डैश कर दिया। सिमिलरली B3 बार B2 में B3 का 0 हो गया, B2 का 1 हो गया, बाकी डैश कर दिया, यहां से G2 बन गया। और G1 जब करेंगे तो B2 बार B1, तो B2 बार मतलब दैट मींस B2 पे 0 आ जाएगा, B1 पे 1 आ जाएगा, B2 पे 1 और अगेन B1 पे हमारा बार पे 0 आ जाएगा, बाकी पे डैश डैश, इससे हमारा G1 फंक्शन जो है वो इंप्लीमेंट हो गया। इसका लॉजिक डायग्राम भी सिंपली वैसे ही बनेगा जैसे आपने बनाया था, बस फर्क इतना पड़ेगा कि डायरेक्टली आप इसको G3 को दे देंगे। ठीक है, कोई भी क्रॉसिंग या ऑरिंग जो है वो आप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मुझे एक मिस्टेक अपने में दिख गई है तो मैं वो उसे करेक्ट कर दे रहा हूँ कि पिछले वाले क्वेश्चन में जब हम इंप्लीमेंटेशन बाय PLA बनाएंगे तो इसमें भी हमें डायरेक्टली हम B3 को ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी और गेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको और गेट को हटा सकते हैं, डायरेक्टली इस लाइन को कनेक्ट करके हम G3 बोल देंगे। क्लियर है, बस ये ध्यान रखना। और अगर आप इधर देखें तो इधर भी हमने देखिए B3 को डायरेक्टली ले लिया, दैट इज G3, और B3 B2 जैसे उधर ले रहे थे क्रॉस में वो तो लेंगे क्योंकि एंड गेट प्रोग्रामेबल है, और गेट नहीं है, तो और गेट PAL में नहीं है, तो डायरेक्टली और गेट पर हमने डायरेक्टली इस तरीके से और दे दिया। अदरवाइज कैसे देते, एक लाइन इधर बनाते, एक लाइन इधर बनाते और फिर नीचे से क्रॉस करते हुए फिर उसे और गेट से इंप्लीमेंट करते, बट ऐसा नहीं है क्योंकि और गेट प्रोग्रामेबल नहीं है, तो हमने डायरेक्टली इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया वो G1 G2 G3 मैंने किस तरीके से इंप्लीमेंट करे हैं। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने इस पूरे वीडियो को एक वन शॉट में कवर करने की कोशिश करी है, पूरी यूनिट 5, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ बचती है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं और इसी के साथ हमारी जो है कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।